हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो हम देख रहे हैं हमारा फ्री क्रैश कोर्स फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग जो हम लोग इस साल के गेट के एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और मैं इसका सेकेंड लेक्चर आज देने वाला हूँ प्रीवियस लेक्चर्स को आपका बहुत गजब का रिस्पॉन्स मिला आई होप आप आने लेक्चर्स को भी इसी तरह से लेंगे इसी तरह से उस पर रिस्पॉन्स देंगे ठीक है तो आज हम लोग कुछ आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं प्रीवियसली हम लोगों ने एवरेज स्ट्रेस तक जस्ट बेसिक्स पे जाकर के

मैंने बताया था लास्ट क्लास में बेटा एवरेज स्ट्रेस क्या होता है तो एवरेज स्ट्रेस के लिए मैंने बताया था कि जैसे कि आपके पास कोई मेंबर है लाइक दिस एंड इट इज लोडेड यहां पर इसमें टेंसाइल आपने फोर्स लगा रखा है दिस इज अ टेंसाइल फोर्स ओके दिस इज अ टेंसाइल फोर्स नाउ इफ यू वॉन्ट टू नो द स्ट्रेस कि भाई स्ट्रेस कितना आ रहा है तो स्ट्रेस इज समथिंग विच इज ड्यू टू इंटरनल रजिस्टेंस ठीक है तो इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द बॉडी के कारण यहां पर आप लोगों को स्ट्रेस देखने को मिलता है है ना डेफिनेशन क्या है स्ट्रेस की हमेशा दिमाग में रखना रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी आप कह सकते हो सो so, यहां पर इंटरनल फोर्सेस कितने हैं उसके लिए मैंने बताया था टू नो दैट के हाउ मच वहां पर आपको स्ट्रेस सॉरी हाउ मच आपके पास रजिस्टिंग uh, फोर्स आ रहा है तो उसके लिए आपको सेक्शन कट करने होते हैं एंड दिस इज नोन एज मैथड ऑफ सेक्शन एंड इन मैथड ऑफ सेक्शन वी कट अ सेक्शन इन सच अ मैनर दैट जब सेक्शन काट जब आप किसी को काटते हो तो एक से दो हो जाता है नंबर ऑफ सेक्शन काटे जा सकते हैं सो इफ यू आर कटिंग सेक्शन दैट मीनस यू आर कटिंग इट वर्चुअली अक्सर में हम लोग उसको नहीं काट रहे हैं। हम लोग एक इमेजनरी प्लेन लेकर के हम लोग उसको दो हिस्सों में अलग करके देख रहे हैं मैथमेटिकली हम लोग इसको अलग करके देख रहे हैं तो इट इज वर्चुअल सेक्शन इट इज अ वर्चुअल सेक्शन एंड क्योंकि वर्चुअल सेक्शन है तो दूसरा इसके लिए एक और नियम लागू होता है कि जब आप वर्चुअल सेक्शन से इसको कट करोगे सो so, जितने भी हिस्से बनेंगे हर हिस्सा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए

ठीक है? तो अब इसको जब मैं कट किया था तो हमने देखा क्या हुआ कि जो सेगमेंट बना इस तरह से जैसे सेगमेंट नंबर वन फोर्स आपका लग रहा है ना इस फोर्स के अपोजिट जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के वो क्या कर रहे होंगे मिल करके रजिस्ट कर रहे होंगे तो हर एक जगह से हर एक छोटे 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 जगह से आपको कुछ ना कुछ रजिस्टेंस मिल रहा होगा तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है ना और दिस रेजिस्टेंस फोर्स में वेरी इन मैग्नीट्यूड है ना हो सकता है कहीं पर ज्यादा ज्यादा मिल रहा हो आपको हो सकता है कहीं पर कम मिल रहा हो इस तरह से सो दिस रजिस्टिंग फोर्स में वेरी इन मैग्नीट्यूड बट सारे के सारे जो छोटे छोटे फोर्सेस हैं सारे सारे लेटर्स से डेल एफ वन ऐसे डेल एफ टू ऐसा छोटे छोटे बहुत सारे फोर्सेस आपको मिल रहे हैं हर जगह से सबको जोड़ने पर सबको जोड़ने पर जो आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है दैट इज़ दी रिएक्ट, दैट इज द रेजिस्टिंग फोर्स दैट इज रिजल्टेंट रजिस्टिंग फोर्स जिसको हम लोग आगे

लोकेशन है वहां से जो रजिस्टिंग फोर्स मिलेंगे सबको जोड़ने पर आपको रजिस्टिंग फोर्स एफ आर मिलेगा तो दिस विल बी एफ आर तो हमको पता है ये क्या है ये है रिजल्टेंट रजिस्टिंग फोर्स रिजल्टेंट रजिस्टिंग फोर्स तो ये हमको हमारे दिमाग में रहना चाहिए हम इसको सिर्फ रेजिस्टिंग फोर्स बोलेंगे आने वाले समय पे इतना लंबा नाम हम नहीं ले पाएंगे टाइम नहीं रहता अपने पास तो तो रिजल्टेंट रेजिस्टिंग रेजिस्टिंग फोर्स फोर्स ना बोल करके हम सिर्फ बोलेंगे तो आपको समझ जाना है कि जो पूरे मटेरियल से जितना हर जगह से मिला सबको मैंने जोड़ा क्योंकि और जुड़ेंगे क्यों सभी क्योंकि सभी सेम डायरेक्शन में है सभी सेम डायरेक्शन में है सभी इसके अपोजिट है पी के जस्ट अपोजिट है सभी तरफ तो सभी बेसिकली क्या हो गए सेम डायरेक्शन में हो गए ठीक है ठीक है समझ दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है बस वैसा ही ये अपोजिट है ये इसके अपोजिट है है ना तो दोनों जब ये जब इसके अपोजिट है तो ये फोर्स भी अपोजिट है, है तो quantity, जब ये रजिस्टिंग फोर्स, so फोर्स आप लोगों के पास है जिसके कारण स्ट्रेस आएगा और मैंने बोला क्योंकि आपने इसको वर्चुअली कट किया है तो so ये सेगमेंट नंबर वन है आपका सेम ऐसे ही सेगमेंट नंबर टू भी आप ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ सेगमेंट नंबर टू सेगमेंट नंबर टू आप ड्रॉ किए तो वहाँ भी सेम यही स्टोरी होगी है ना ये जो आपके पास पी है ओके ये जो आपके पास पी है है ना जो आपने लोड लगा देख रखा है यहाँ पर इस तरह से तो इसके अपोजिट आप लोगों को जगह जगह से क्या मिलेंगे रेजल्टेंट सॉरी रिएक्शन रजिस्टिंग फोर्सेज मिलेंगे सभी को जोड़ दोगे तो आपको अगेन एफ आर विच इज़ द रिजल्टेंट रजिस्टिंग फोर्स वो मिलेगा ठीक है अब मैंने सेकेंड जो कंडीशन बोली थी वो ये थी बेटा कि हमारा

यहाँ पर इक्वल ियम तो लिखूंगा पी माइनस एफ आर इज इक्वल टू जीरो अगेन क्या आ गया एफ आर इक्वल टू पी तो जो रजिस्टिंग फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है ठीक है नाउ जब मैं जब मैं एवरेज स्ट्रेस की बात करता हूँ या फिर जब मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करता हूँ बोलूँ टू बी मोर स्पेसिफिक सो इन दैट केस जो हम लोग पूरे सब्जेक्ट में यूज करेंगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है हमारे पूरे सब्जेक्ट में कैरी होगा हम पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करने वाले हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्टेन दैट इज डिफरेंट लेकिन ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में ये हम लोग इसी स्ट्रेस की कैलकुलेशन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए दैट इज वाई मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ठीक है क्लियर बात चलिए भाई तो यहां से यहां से हम लोग देखते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस जैसे मैं बोलता हूं ठीक है इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो कोई भी स्ट्रेस जो होगा डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस में तब बोलूंगा जब वो इस तरह से डिफाइन होगा रेजिस्टिंग फोर्स पहले तो आप रजिस्टिंग फोर्स निकालोगे जो भी आपकी लोडिंग है हो सकता है आप आ, मैंने आपको पांच इफेक्ट बताए फोर्स के है ना पांच इफेक्ट बताए आपने टेंसाइल फोर्स लगाया आप कंप्रेसिव लगा सकते हो आप यहाँ पर आ, आ, आप यहाँ पर शेयर फोर्स लगा सकते हो बेंडिंग कर सकते हो ट्विस्टिंग कर सकते हो तो जो भी है जो भी है आपको रजिस्टिंग फोर्स को ओरिजिनल एरिया की वैल्यू से डिवाइड करना होगा तो जो ओरिजिनल एरिया से जब आप इसको डिवाइड करोगे किससे ओरिजिनल एरिया से ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल एरिया ओके ओरिजिनल एरिया से तो वो जो स्ट्रेस निकल करके आएगा दैट विल बी योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस दैट इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस ठीक है तो आप दे कौन सा एरिया देखना है ये तो लोडिंग पे डिपेंड करेगा वो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं तो मैं हटता हूँ आप तुरंत इसका जो है स्क्रीन शॉट एक ले लीजिए और इसको अपने इसके बाद फिर अपने अकॉर्डिंग फिर इसको आप कॉपी में नोट कर लेना ठीक है तो जस्ट मैं आपको दो सेकेंड दिया स्क्रीन ले लीजिए ठीक है ओके नाउ अब देखना लोगों हम लोगों को कि नेक्स्ट चीज जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन स्ट्रेन क्या चीज होती है ये हम लोगों को समझना है ठीक है तो एज आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा तो मैं इसको अभी हटा रहा हूं यहां से ठीक है स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूं ठीक तो अब हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में ठीक है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में अब स्ट्रेन क्या है देखो सीधी सी बात है हम लोग जो बात कर रहे हैं रियल सॉलिड्स पे हम लोग लेक्चर नंबर वन है उसी में पढ़ रखा है कि हम लोग जिसके साथ डील करेंगे रियल सॉलिड्स के साथ यानी कि जो हमारे आसपास जो सॉलिड्स हैं रियल सॉलिड्स है ना रियल सॉलिड्स तो जो रियल सॉलिड्स होते हैं ये जो रियल सॉलिड्स होते हैं दे आर डिफॉर्मेबल जो रियल सॉलिड होते हैं ये कैसे होते हैं ये डिफॉर्मेबल होते हैं कैसा होते हैं डिफॉर्मेबल होते हैं यानी कि एक लोड लगाने पर एक अच्छा खासा लोड लगाओगे आपको तो नोटिसेबल डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा अगर आप एकदम कम लोड लगाओगे तो शायद आप डिफॉर्मेशन ना देख पाओ ठीक है शायद कुछ डिफॉर्मेशन ना हो पाए लेकिन जब आप एक अच्छा खासा लोड लगाते हो ओके फॉर अ सर्टेन लोड देर इज सर्टेन डिफॉर्मेशन ओके फॉर अ सर्टेन लोड देर इज अ सर्टेन डिफॉर्मेशन तो जो जितने भी रियल सॉलिड्स हैं जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं सभी को डिफॉर्म किया जा सकता है ठीक है सभी को डिफॉर्म किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल सॉलिड्स ठीक है इसका एक और नाम है क्योंकि क्योंकि क्या होता है देखो अब ऐसा कोई हम लोग बहुत से सॉलिड्स ऐसे भी देखते हैं हम लोग जो कि हम लोग अपने मशीन्स में स्ट्रक्चर में यूज करते हैं ऐसा कभी नहीं देखोगे आपके ब्रिज व्रिज में आप चढ़े और ब्रिज जो है ऐसा धस गया नीचे ऐसा नहीं होगा उसमें बड़ी बड़ी हैवी हैवी मशीनरी जा रही होगी बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे होंगे लेकिन कुछ नहीं हो रहा हो क्यों भाई क्योंकि इतना ज़्यादा लोड झेलने के लिए उसको तैयार किया गया है दैट मीन्स उसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत कम होना चाहिए उसको इस तरह से उसकी उसके जो डायमेंशन एक्सेट्रा इस तरह से रखे गए तो यहाँ से एक आइडिया आता है कि हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं यानी कि जो सॉलिड बॉडीज़ हैं हमारे पास जिसको हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट में तो ये बॉडीज़ जो हैं ये अंडर अ सर्टेन लोड Uh, जो लोड है उसको कैरी करते हैं उसको सहते हैं यानी कि उसको ट्रांसफ़र करते हैं ऐसा बोल सकते हैं हम लोग तो उस लोड को ट्रांसफ़र करते हैं अगर आप मोशन वगैरह दे रहे हो पावर वगैरह दे रहे हो तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन देंगे और उतना डिफॉर्मेशन से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कुछ नुकसान उससे मेजर नहीं होगा सो देर आर सच बॉडीज च विल गिव नोटिसिबल डिफॉर्मेशन अंडर अ सर्टन लोड एंड ये बॉडीज जो है इसको हम बोलते हैं जो डिफॉर्मेबल बॉडीज इसको हम लोग पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट में देस रजिस्टेंट बॉडीज ओके सो रजिस्टेंट बॉडीज की बात किया हमें जस्ट सेव रजिस्टेंट बॉडी तो हम मान के चलेंगे जो भी सॉलिड हम लोग डील कर रहे हैं यहां पर हम मान के चलेंगे कि वो रेजिस्टेंट बॉडी है ठीक है रेजिस्टेंट बॉडी सो रेजिस्टेंट बॉडीज की बात करेंगे हम लोग ठीक है जस्ट एक नोट कर लेना यहां पर दैट दिस बॉडी दिस बॉडी दिस बॉडी विल ट्रांसफर विल ट्रांसफर ओके ट्रांसफर फोर्स ओके वाइल गिविंग गिविंग सम सम नोटिसेबल डिफॉर्मेशन तो कुछ नोटिसेबल डिफॉर्मेशन जो है ये देगा कुछ छोटा छोटा मोटा जिसको आप मेजर कर सकते कर हो सकता है कि कि माइक्रॉन्स में हो बहुत छोटा हो ऐसा भी हो सकता है और बहुत ज्यादा लगा तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ एमएम mm का ये So, आपको डिफॉर्मेशन देते हैं ठीक है थीके? तो हम लोग इसको रेजिस्टिंग बॉडीज बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉडीज जो है उसको हम लोग बोलते हैं तो रेजिस्टेंट बॉडीज जो है दे गिव नोटिसबल डिफॉर्मेशन तो हम लोग जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग जो बात कर रहे हैं जितने भी रियल बॉडीज हैं सभी डिफॉर्मेबल है ठीक है यानी कि सभी रजिस्टेंट बॉडी रोड को जो ये हैं कैरी करते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो डिफॉर्मेशन है वो देते भी हैं ठीक है थीके? तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन देंगे नोटिसिबल डिफॉर्मेशन होगा ठीक है और मतलब नोटिसिबल मतलब कि आप कुछ जैसे मान लो बहुत कम भी है तो यू कैन यूज अ सेंस जो कि छोटी छोटी वैल्यूज को रीड कर सकता है और आप बता पाओगे कि यस इतना माइक्रॉन लेकिन डिफॉर्मेशन तो है ठीक है तो so, आप डिफॉर्मेशन को सेंस कर पाओगे यूजिंग सेंसर और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है और वो फोर्स को आपके प्रॉपर ट्रांसफर भी कर रहा होगा जैसे हमारे जो ब्रिजेस हैं वो टन्स ऑफ वेट को ट्रांसफर कर रहे हैं टन्स ऑफ वेट को कैरी कर रहे हैं साथ ही साथ जो है जो वाइब्रेशंस वगैरह उसको भी कैरी कर रहे हैं लेकिन उनमें एज सच कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा और वो सालों साल चलते हैं ठीक है सो दे दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टेंट बॉडीज़ हमारे पास जो स्टील की बार है ये मेरे पास जो पेन है दिस इज़ ऑल्सो रियल सॉलिड एंड दिस इज़ ऑल्सो रजिस्टेंट बॉडी तो जो रियल सॉलिड्स हैं वो उसको हम लोग रजिस्टेंट बॉडीज़ मानते हैं ठीक है क्योंकि

So, जब डिफॉर्मेशन की बात हो रही है तो डिफॉर्मेशन को हम लोगों को क्वान्टिटिफाई करना है ठीक है डिफॉर्मेशन को हम लोगों को क्वान्टिटिफाई करना है तो उसी के लिए हम लोग स्ट्रेन यूज करते हैं स्ट्रेन ठीक है और जो हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं अभी दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो स्ट्रेन क्या है बोलो व्हाट इज स्ट्रेन सो दिस इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ये किसका है ये क्या है दिस इज मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन दिस इज मेजर दिस इज मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन का एक तरीके का मेजर है बेटा ये ठीक है मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे एज स्ट्रेन इज डिफाइंड एज ओके स्ट्रेन इज डिफाइंड एज स्ट्रेन इज डिफाइंड एज स्ट्रेन इज डिफाइंड एज ओके स्ट्रेन इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ओके पर यूनिट पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन ठीक है डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन तो ओरिजिनल डायमेंशन में जो चेंज होगा ठीक है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेन को हम कैसे लिखें जो भी स्ट्रेन होगा स्ट्रेन को ऐसे लिख पाएंगे स्ट्रेन इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन जो भी हुआ चाहे लेंथ में हुआ हो विथ में हुआ हो हाइट में हुआ हो अगर डायमीटर में बात करें तो डायमीटर में हुआ हो है ना तो वो जो भी उसमें चेंजेस आए दैट इज़ डिफॉर्मेशन जैसे कि आप लोगों का आ, लेंथ था इनिशियली 100 एम mm, एम अब वो हो गया 105 एंड फाइव एम तो डिफॉर्मेशन कितना है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ ठीक है अभी बताऊँगा उसको तो डिफॉर्मेशन अपॉन दी ओरिजिनल डायमेंशन और ओरिजिनली वो जिस उसकी जो साइज़ हुआ करती थी जो डायमेंशन हुआ करता था तो ओरिजिनल ओरिजिनल डायमेंशन ओके ओरिजिनल डायमेंशन तो डिफॉर्मेशन को कैसे निकालूंगा मैं तो so, डिफॉर्मेशन अगर मैं निकालूंगा ठीक है डिफॉर्मेशन अगर निकालू मैं तो डिफॉर्मेशन होगा आपका फाइनल डायमेंशन जो भी फाइनल डायमेंशन है फाइनल डायमेंशन ओके जो भी चाहे हम लोग विथ की बात करें हाइट की बात करें लेंथ की बात करें डायमीटर की बात करें ऑल दीज आर डायमेंशन ठीक है डायमेंशन जो भी है वॉल्यूम की बात कर सकते हैं हम लोग जैसे वॉल्यूम वगैरह में जाएंगे तो वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं तो जाएगा फाइनल डायमेंशन माइनस द ओरिजिनल डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन ये होता है आपका ये होता है आपका डिफॉर्मेशन तो डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे फाइनल जो भी है माइनस ओरिजिनल ठीक है माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल करोगे अपॉन ओरिजिनल तो ओरिजिनल डायमेंशन तो ये आपको मिल जाएगा स्ट्रेन तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखियोगे हो आप यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ ओरिजिनल डायमेंशन लिख रहा हूँ व्हाट इज ओरिजिनल डायमेंशन जब उस पर कोई लोड नहीं होगा जब उस पर कोई लोड नहीं रहा होगा यानी कि नो लोड सिचुएशन में नो लोड सिचुएशन में जो भी डायमेंशन है जैसे कि ये इसका ये एक बार में लिया इसकी लेंथ जो है वो एल है ठीक है और इसका क्रॉस सेक्शन जस्ट इस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है एंड दिस इज द इज दी

दीज आर दी ओरिजिनल डायमेंशन तो ये एल बी एच जो है दिस इज दी ओरिजिनल डायमेंशन नाव जब लोड लगाना चालू करोगे ग्रेजुअली जब इसमें लोड लगाओगे धीरे धीरे जब लोड को बढ़ाते जाओगे तो उस कंडीशन में द लेंथ विल चेंज द विथ एंड द हाइट विल चेंज अगर लोड लगाने पर बट जब तक कोई लोड नहीं है तो उस समय उसका एक ओरिजिनल डायमेंशन होगा आप जो आपने मैन्युफैक्चर किया है जो कहीं से आपने परचेस करके लाया है तो ओरिजिनली उसका कुछ डायमेंशन होगा वेन इट इज सब्जेक्टेड टू लोड डेफिनेटली द डायमेंशन विल चेंज ओके डिफॉर्मेशन होगा जैसे ही फोर्स लगाना चलू करोगे लोड लगाना चालू करोगे फोर्स का काम है इसको चेंज करना क्यों भाई क्योंकि हमने लेक्चर नंबर वन में पढ़ रखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग मेंबर्स को स्टैटिक कंडीशन में रखने वाले हैं सो इट विल नॉट मूव इट विल नॉट मूव इट विल ओनली डिफॉर्म ये मूव नहीं कर पाएगा इट विल ओनली डिफॉर्म आड़ी बात समझ में सिर्फ डिफॉर्म हो सकेगा तो जब इसमें कोई भी फोर्स नहीं है कोई लोड नहीं है कुछ भी नहीं है सिर्फ शांति से रखा गया है इसको उस समय इसमें जो इसके डायमेंशन है जो स्ट्रेस में भी हमने बात की थी स्ट्रेस में भी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले दो मिनट पहले हम लोगों ने चर्चा की थी क्या कि स्ट्रेस भी हम लोग कैलकुलेट करते थे पर यूनिट ओरिजिनल एरिया रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया तो ओरिजिनल डायमेंशन के बेसिस पे हम लोगों ने स्ट्रेस जब कैलकुलेट किया तो उसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या कहा सेम वैसी जब ओरिजिनल डायमेंशन के बेसिस पे मैं स्ट्रेन कैलकुलेट करूंगा तो उसको क्या कहूंगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो ये जो स्ट्रेन मेरे को मिल रहा है ओरिजिनल डायमेंशन ये जो स्ट्रेन है बेटा ये कौन सा स्ट्रेन हो गया ये हो गया आपके पास इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेन आई बात समझ में तो जब हम लोग ओरिजिनल कोई पूछेगा अगर आपसे कि वट इज दी ओरिजिनल वट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट uh,

विथ हाइट डायमीटर वॉल्यूम इसके टर्म में अगर मैं बात कर दिया तो वो हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ ठीक है सो ओरिजिनल डायमेंशन को यहां पर हम लोग देखेंगे नाउ डिफरेंट टाइप के ठीक है इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन ले लीजिए आप लोग तो डिफरेंट टाइप के अभी हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन है अब आगे आगे आप लोग इसे भी स्ट्रेस स्ट्रेन बोलेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन बार बार नहीं बोलेंगे बस आपको पता होना चाहिए अब आगे जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी पूरे सब्जेक्ट में सारा का सारा कौन सा होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन आपका होगा एवरेज स्ट्रेस हम लोग निकालेंगे ठीक है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन उसको कहा जाएगा ठीक है तो इसका स्क्रीन ले लीजिए आप लोग ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब है ना

जब आप लोग axially load कर, आप लोग देख सकते हो ठीक है अब देखो axially loaded की बात कि किसी एक एक्सेस के अबाउट लोडिंग हो रही होगी तो ये जो बार है ना ये जो बार है इसमें आप देख पाओगे देखो एक ये, तो ये हो गया इसका एक ये इसका एक्सेस हो गया ये वाला ठीक है ये इसका एक्सिस हो गया ठीक है दिस इज एक्सिस अलोंग विच दिस इज ये एक्सिस देखो इसके अलॉन्ग लौंगे तो ये लॉन्गेस्ट तो ये जो लौंगे एक्सिस क्या बन गया आपका लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बन गया आई बात समझ में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सो दिस एक्सिस के अबाउट बॉडी लॉन्गेस्ट होगी उसको मैं लॉन्गिट्यूनल एक्सिस बोल दूंगा ठीक है लॉन्गिट्यूडल एक्सिस बोल दूंगा अब इस एक्सिस के परपेंडिक एज हम आग, आग, लोग की बॉडी सॉलिड है रियल बॉडी है है ना तो रियल जो हमारा स्पेस है जो हमारी रियलिटी है ये दो चीजों से मिलकर बनी है स्पेस और टाइम से तो इसका इसका जब मैं साइज डिफाइन करूंगा ना कि इसका स्पेस डिफाइन करूंगा तो थ्री डायमेंशन में डिफाइन करूंगा तो एक डायमेंशन तो होगा लॉन्गिट्यूडल डायमेंशन तो हो गया बचे दो जो बचे हुए दो हैं दे विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एक्स दिस लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन तो एक हो गया ये

लेटरल एक्सेस ओके लेटरल एक्सेस इसको हम लोग बोलेंगे तो ये जो दो एक्सेस हैं ये भी और ये भी ये दोनों एक्सेस क्या है लेटरल एक्सेस और इसको ट्रांसवर्स एक्सेस भी बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस भी इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सेस तो लेटरल एक्सेस और ट्रांसवर्स एक्सेस हम लोग बोलते हैं ठीक है नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस मैंने आपको बताया है कि ऐसे फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जो कि जो कि जो फाइव जो आपके बॉडी है उसको स्ट्रेच करने की इलोंगेट करने की टेंडेंसी रखते हैं ठीक है ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं टेंसाइल फोर्सेस कहते हैं ना टेंसाइल फोर्सेस तो आपका जो फोर्स होता है नंबर ऑफ इफेक्ट दे सकता है तो उसमें मैंने एक इफेक्ट बताया था कि फोर्स लगा कर कि आप, कि आप किसी चीज़ की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो स्ट्रेचिंग कर सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो फोर्स है इसको अगर लगाया जाए तो आपको साफ साफ दिखेगा जैसे कि मैं यहां पर मार्किंग कर दूँ इस तरह से ये मार्किंग कर दूँ इस तरह से, से इसमें पेन वगैरह से मैं इसमें मार्क कर दूँ तो आप देखोगे जब आप इसको खींचोगे ना ठीक है इसको जब आप खीचोगे, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन दिस मार्क आर इंक्रीजिंग इसका सिंपल सिंपल एक ही अर्थ है कि ये जो बार है आपका ये अब क्या हो रहा है इसका लंबाई जो है इंक्रीज हो रहा है तो ये जो फोर्स है ये क्या लगा ये लग जो फोर्स आपने लगाया और जो लोड लगाया ये जो लोड है ये कैसा है इसको बोलूंगा मैं टेंसाइल है है ना टेंसाइल तो टेंसाइल लोड जो है आपने यहां पर लगाया एक्सटर्नली ठीक है तो जब आप ऐसा कोई लोड लगाते हो जो कि साइज को लेंथ को इंक्रीज कर सकता है है ना यानी डायमेंशन की बात करें लेंथ अगर ना भी बोलना हो तो डायमेंशन अगर आप बोलो तो डायमेंशन को इंक्रीज करने वाला स्ट्रेच करने वाला इलांगेट करने वाला जो फोर्स है दैट इज टेंसाइल फोर्स टेंसाइल फोर्स के कारण जो स्ट्रेस सेटअप होगा उसको बोलेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस ठीक है क्लियर बात है और उस समय जो इसमें डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा भाई इनिशियली इसकी लेंथ कुछ रही होगी अब इसमें आपने इसको इलांगेट किया है यानी कि लेंथ को बढ़ाया है तो ये लेंथ बढ़ने के कारण जो स्ट्रेन आया दैट इज नोन एज दी टेंसाइल स्ट्रेन तो ये हुआ टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नाउ इसको थोड़ा सा ब्रॉड बैनर में लेकर के चलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन को या फिर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को ठीक है इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड बैनर में लेकर के चलते हैं क्लियर बात है चलिए देखते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो क्या करेगा जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ठीक है तो अगर मैं एक नॉर्मल सा एक कोई कंडीशन लूँ यहाँ पर जैसे कि ये जो बार है जैसे कि ये जो बार है है ना इसमें देखने वाली बात है देखो इसमें मैंने फोर्स लगाया इस तरह से तो ये कैसा फोर्स है ऑब्वियस बात है ये कैसे फोर्सेस हैं टेंसाइल फोर्स है कैसे फोर्स हैं टेंसाइल फोर्स है फोर्स ठीक है टेंसाइल फोर्स है इसका जो लेंथ है ओरिजिनली वो एल है इसका ओरिजिनल लेंथ एल है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो भी क्रॉस सेक्शन होगा मैंने जस्ट ऐसा ड्रॉ कर दिया है ए उसका क्रॉस ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है ठीक है नाउ अगर मैं एक चीज देखूं अगर मैं एक चीज देखूँ कि स्ट्रेस मुझे जानना है मैं सेक्शन कट करूंगा रजिस्ट्रिंग फोर्स निकालूंगा तो मुझे तो पता चलेगा कि कितना जो है आ, वहाँ पर स्ट्रेस होगा मुझे कैल मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा सेक्शन कट कर दूँ चलो मैंने कुछ सोचा ऐसे दिमाग में खुराफ आता ही मैंने बोला कि चलो भाई मैं ना ऐसा कुछ सेक्शन कट कर देता हूँ ऐसा अब इस सेक्शन को अगर आप सोचोगे थोड़ा सा दो सेकंड रुक करके इस पर ध्यान दोगे तो आप देख पाओगे कि ये जो सेक्शन है ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है तो ये सिम, ये एक सिंबल होता है हमारे कीबोर्ड पे देखोगे आप लोग जिसको हम बोलते ऑब्लिक ऐसा ए ऑब्लिक बी बोलूंगा तो ए ऑब्लिक बी ऐसा कुछ बनाओगे तो ये देखो तो ये जो थोड़ा है ना ऑब्लिक जैसा दिख रहा है ऑब्लिक जैसा दिख रहा है ए तो ऑब्लिक बी ऐसा लिखते हैं ना हम लोग तो जो ऑब्लिक का सिंबल होता है वैसा कुछ दिख रहा है तो ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक प्लेन क्या बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन ध्यान से ऑब्लिक प्लेन आई बात समझ अब मैं मेथड ऑफ सेक्शन सेक्शन लगाना होता है ना भाई मुझे तो मेथड ऑफ सेक्शन लगाना होता है अब इसमें मैंने आपको दो रूल बताया है कि पहला रूल कि भाई वर्चुअली कट करना ऐसा नहीं कि आरी लिए और काट दिए दूसरा अगर जब आप कट किए उसको वर्चुअली कट किए तो उसके बाद जो आपने जो काल्पनिक रूप से आपने दो सेक्शन तैयार किए सो दोगमेंट्स तैयार किए वो दोनों सेगमेंट हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करना चाहिए बट इसमें कहीं भी मैंने ऐसा बोला क्या कि सेक्शन किस दिशा में काटना है ना रूल नंबर वन में मैंने बोला है ना रूल नंबर टू में मतलब सेक्शन कैसा भी काटा जा सकता है पहली बात सेक्शन तो कैसा भी काटा जा सकता है मैंने ऐसा कोई नियम बोला क्या आपको नहीं बोला ना कि सेक्शन ऐसा सीधा सीधा काटना है वर्टिकली काटना है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने बस बोला कि सेक्शन काटना है तो सेक्शन जब आप काट सकते हो तो कैसे भी काट सकते हो तो मैंने ऐसा टेढ़ा काट दिया तो जब सेक्शन टेढ़ा काटते हो यानी कि एक्सिस से सर्टन एंगल्स पर काटते हो तो ऐसे सेक्शन को बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन या ऑब्लिक सेक्शन है ना ऑब्लिक प्लेन और आप सेक्शन भी इसको कह सकते हो ऑब्लिक प्लेन और सेक्शन इस तरह से ठीक है अब अगेन जो दो हिस्से बनेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इनको क्या करना चाहिए इनको स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो भैया मजबूरन फॉलो करना ही पड़ेगा है ना इस तरह से ओके सो जस्ट देखते हैं तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो इसको फॉलो करना है है ना तो ये इसको मैंने जो ऑब्लिक प्लेन बनाया इसको ये टाइप से ऐसा बना दिया ठीक है ठीक है ये ऑब्लिक प्लेन तो सेगमेंट नंबर वन जो है सेगमेंट नंबर वन जो मैं बना रहा हूं ओके okay? इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है सोचने वाली बात है ध्यान देना ठीक है सो जो भी फोर्सेस आपको मिल रहे होंगे जो भी फोर्सेस आप लोगों को मिल रहे होंगे वो तो कैसे मिलने चाहिए भाई हमारा तो ये एक्सटर्नल फोर्स है अगर रजिस्टि अगर इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है तो समेशन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए वो कब संभव है वो तभी संभव है जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेफ्ट से ये डायरेक्शन एक्स है तो मैं बोला कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो पी है ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन में ही रजिस्टिंग फोर्स आना चाहिए यानी कि इसके इसी एक्सिस के लाऊ फोर्स आना चाहिए जस्ट अपोजिट तो पी के अपोजिट रजिस्टिंग फोर्स आना चाहिए सो एफ आर जो इक्वल टू हम पी लिखते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट आना चाहिए कि जैसे कि हमेशा होता है वैसे ही आना चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये टेढ़ा है तो रजिस्टिंग फोर्स उस तरफ ऐसा चला जाए ठीक है क्योंकि हमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉलो करना है जो रूल नंबर वन है रूल नंबर टू भाई वो तो वायलेट कभी भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो अगर इस सेगमेंट को स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहना है तो यहां पर जो रजिस्टिंग फोर्स आ रहा है रिजल्टेंट रजिस्टिंग फोर्स ठीक है उसका डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स जो सेगमेंट पे दिख रहा है उसके अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए तो देखो ये पी और ये इसके अपोजिट रेजिस्टिंग फोर्स बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? देखो सेम है आई बात समझ में ये होना चाहिए ओके okay, ये तो हो गया तो इसके बाद आप देख पाओगे इसके बाद आप देख पाओगे कि ये वाला जो प्लेन है मेरा ठीक है ये वाला जो प्लेन है इसका एरिया जो है देखो इसका एरिया जो है वो ए नहीं होगा वो होगा कुछ अलग ए डैश क्यों भाई इसका तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है बट इसको आप आड़ा जैसा काट दोगे एक ऑब्लिक प्लेन से काट दोगे तो इस प्लेन का जो एरिया होगा जैसे वो अलग हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर सर, यहाँ पर सिलेंडर है एक सॉलिड सिलेंडर है तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा सर्कल होगा लेकिन अगर आप उसको ऐसा ऑब्लिक प्लेन से काट दोगे तो जो प्लेन मिलेगा वो दिखेगा जैसे कि आप एग्जाम्पल दो जस्ट घर में सब्जियां होंगी तो खीरा जैसे है खीरा, खीरा का शेप जैसे सिलेंड्रिकल जैसा हो गया काटे उसको वर्टिकल से क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो सर्कल दिखेगा लेकिन अगर आप उसको इस तरह से ऑब्लिक काट दोगे तो आप लोगों को इलिप्स देखने को मिलेगा आई बात समझ में तो दैट इज वाई ये और ये एरिया डिफरेंट होगा तो मैंने एक जस्ट इसको ए डैश लिख दिया ठीक है अब देखो ये डैश हो गया ये वाला जो ओरिजिनली जो इसका एरिया था ये वाला जिसका प्रोसेसन एरिया है दैट इज ए और ये जो एंगल है दैट इज थीटा तो ए डैश में लिख सकता हूँ कितना हो सकता है ए डैश लिख सकता हूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू होगा ए बाई ए डैश सो आई कैन राइट दैट ए डैश जो है दैट इज ए अपॉन साइन थीटा इस तरह से मैं लिख दिया ए अपॉन साइन थीटा ठीक है ए अपॉन साइन थीटा लिख दिया नाउ हियर मुझे रेजिस्टिंग फोर्स तो मिल चुका है रिजल्ट रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स नाउ आई कैन सी के ये एंगल थीटा है ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा नाउ आई आई कैन कैन दिस दिस फोर्स ऑन प्लेन इस प्लेन में मैं इसको रिजोल्व कर सकता हूं दो डायरेक्शन में वन नॉर्मल टू दिस एक नॉर्मल डायरेक्शन है दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन ठीक है इसको मैं एक तो नॉर्मल डायरेक्शन कहलाऊँगा इसको इसका एक कंपोनेंट निकाल सकता हूँ और दूसरा सेकेंड नंबर पर क्या ये वाला डायरेक्शन जो कि सर्फेस के ए डैश के जो भी सर्फेस है ऑब्लिक प्लेन जो है इस प्लेन के पैरलर है टच करता हुआ ऐसा छूता हुआ यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन ओके ठीक है टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो उसको दो कम दो डायरेक्शन के अलांग नॉर्मल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलांग मैं क्या कर सकता हूं इस फोर्स को रिजोल्व कर सकता हूं ठीक है इस फोर्स को रिजॉल्व कर सकता हूं नॉर्मल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलाउंग तो इसको रिजोल्व करते हैं ये थीटा है तो ये बन जाएगा आपके पास एफ आर कॉस थीटा और इस तरफ आएगा फोर्स एफ आर एफ आर साइन थीटा अब एफ आर तो पी के बराबर होता है तो लिख दो एफ आर दैट इज पी थीटा और लिख दिया यहां पर पी साइन थीटा ठीक है तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो आया जो नॉर्मल डायरेक्शन में आपके पास आया इस फोर्स के कंपोनेंट को बोल सकता हूं मैं दिस इज योर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स ठीक है नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स ठीक है और ये क्या हो गया दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन में यह क्या गया आपके पास टेंजेंशियल टेंजेंशियल रजिस्टिंग फोर्स रजिस्टिंग फोर्स ठीक है टेंजेंशियल रजिस्टिंग फोर्स आ रही बात समझ में तो फोर्स का दो कंपोनेंट मुझे इस ऑब्लिक प्लेन पे मिला एक मिला मुझे नॉर्मल डायरेक्शन में और एक मुझे मिल गया यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ठीक है तो एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में मुझे दो कंपोनेंट मिल गया इस रेजिस्टिंग फोर्स के क्लियर बात है अब मुझे क्या करना है मुझे रजिस्टिंग फोर्स तो मिल गया है तो मैं इसके रजिस्टिंग फोर्स के बेसिस पे क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ भाई रजिस्टिंग फोर्सेस के बेसिस पे मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकता हूँ अब हम लोगों ने जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेज देखे तो वहां से थोड़ा सा रिलेट करना

ये वाला फोर्स जिसके कारण इसको इस तरह से एक स्लाइडिंग वाला एक टेंजेंशियल मोशन वाला टेंडेंसी रहेगा उस तो वो उसके लिए ये रेस्टिंग फोर्स आपके पास आया है तो दो तरह के इफेक्ट देखने को मिले यानी कि ये जो फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स है बेसिकली ये दो तरह के इफेक्ट किसी भी किसी भी इंक्लाइंट प्लेन पर क्रिएट कर सकता है एक तो नॉर्मल और दूसरा क्या टेंजेंशियल ठीक है तो ये जो नॉर्मल रजिस्टरिंग फोर्स जो आ रहा है उसको जिस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है मैंने बोला था ना अभी जब हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात किए थे थोड़ी देर पहले तो उन्हें बताया था देखना पड़ेगा कि कौन जो फोर्स रजिस्ट्रिंग फोर्स आ रहा है वो उस एरिया किस एरिया पर लग रहा है तो जस्ट याद रखना रजिस्टिंग फोर्स डिवाइड ओरिजिनल एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा मत बोलना कभी भी एरिया कौन सा होगा दैट वी विल सी पर लगने वाला है कौन सा एरिया की हमको रिक्वायरमेंट है ठीक है फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे आप लोगों को आ, ये चीज क्लियर रहेगी कि कौन से स्ट्रेस के केस में कौन सा एरिया आएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन में आया यहां पर एक फोर्स ठीक है सो नॉर्मल डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन में जो रजिस्टिंग फोर्स आ रहा है उसके कारण क्या आएगा बेटा उसके कारण आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस और ये भी क्या है अब सारे जो स्ट्रेस हम देख रहे हैं ना सारे इंजीनियरिंग स्ट्रेस है सारे इंजीनियरिंग स्ट्रेस है ठीक है तो सारे ओरिजिनल एरिया के बेसिस पे ही आपको देखने को मिलेंगे ये चीज याद रखना जैसे कि मैंने ए डैश भी लिखा है ये जो एरिया है ना ये वाला एरिया जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस आने वाला है भाई ए डैश जो है किसके टर्म्स में देखो तो ए थीटा ए क्या है उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है ओरिजिनल एरिया है हरी बात समझ में तो ये चीज क्लियर रखने की नीड है कि हमारा पूरा अब जो आगे का डिस्कशन होगा पूरे सब्जेक्ट के अंत तक के वो ओरिजिनल एरिया के बेसिस पे होगा ओरिजिनल डायमेंशन के बेसिस पे होगा ठीक है ये चीज क्लियर रखना है तो नॉर्मल मैं रिप्रेजेंट करता हूं नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा एन से. सिग्मा एन से. तो आपके पास यहां से आ जाएगा दैट इज नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स ओके अपॉन एरिया एरिया ओके एरिया कैरिंग ऐसा लिख सकते हो एरिया कैरिंग नॉर्मल फोर्स जिस एरिया पे नॉर्मल फोर्स मौजूद है एरिया कैरिंग नॉर्मल फोर्स ओके एरिया कैरिंग नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स तो जिस एरिया पे ये मौजूद है तो सीधा सीधा यहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो सिग्मा एन आ जाएगा मेरे पास कितना है भाई ये आपके पास पी साइन थीटा है ना पी साइन थीटा तो, पी साइन थीटा तो, पी ठीक है पी साइन थीटा अपॉन ए डैश है ना ये कौन सा एरिया है हमारे पास ये ए डैश है है ना ए डैश है तो ए डैश वैल्यू क्या है ए अपॉन साइन थीटा तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा बाद में तो इसको लिखते हैं ए साइन थीटा ए अपॉन साइन थीटा ये हो जाएगा पी बाई ए साइन स्क्वेर थीटा पी बाई ए साइन स्क्वेयर थीटा ऐसा कर सकते हैं ना ठीक है पी बाई ए साइन स्क्वेयर थीटा नाउ पी बाई ए क्या है ट इज पी बाई ए पी बाई ए क्या है इसको समझते हैं हम लोग ठीक है ना पी क्या है पी इज दी क्या है आपका देखो पी क्या है देखो ध्यान से है ना पी क्या है पी जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन देखो पी कैसा लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लग रहा है ध्यान से समझना पी कैसा लग रहा है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में लग रहा है नाओ ना अगर मैं देखू अगर मैं देखू ये दिख रहा है क्या देखो ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया ये वाला, एरिया, ये वाला जो हाँ पर is, so, यहाँ पर एरिया दिस इज अगर इसको वर्टिकल काटू क्या दिखेगा क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा तो यहां पर जो स्ट्रेस आएगा इस वाले प्लेन पे इस जो स्ट्रेस आएगा ठीक इन द नॉर्मल डायरेक्शन अगर आप इसको इस तरह से कट करते हो ठीक है जस्ट यहां देखो जस्ट एक देखो डायग्राम अगर आप इस एक बार को इस तरह से कट करते हो ठीक है अगर आप एक बार को इस तरह से कट करते हो लाइक दिस ऐसा कट करते हो उसमें इस तरह से लोड लग रहा है हम लोगों ने प्रीवियसली भी ये डायग्राम देखा हुआ है देखो काफी क्रूशियल डिस्कशन है ठीक है काफी क्रूशियल डिस्कशन है ध्यान से समझना ठीक है इस तरह से आपने फोर्स लगाया पी अब आपने इसको वर्टिकली कट किया है तो ये जो सेक्शन होता है अभी मैंने बताया आपको ऑब्लिक सेक्शन है ना

परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का सिंबल बनाया परपेंडिकुलर टू लोंगिट्यूडनल एक्सिस लोंगिट्यूडनल एक्सिस लोंगिटनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है लोंगनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ठीक है तो इस एक्सिस के तो इस एक्सिस सॉरी uh, इस प्लेन पे हम लोगों ने इस तरह से इस प्लेन के along बॉडी को कट कर दिया ये बन गया सेगमेंट नंबर 1 ठीक है नाउ अगेन यू कैन सी दैट दिस इज द रजिस्टिंग फोर्स जो इस डायग्राम पहले भी देखा हुआ है एंड रजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू पी ठीक है नाउ दिस इज दरिया लेटेस्ट से ए क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया आया ठीक है ये क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आई थिंक आपको अब आइडिया हो गया कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकलता है एक सेक्शन काटते हैं हम लोग इमेजनरी किसके लॉन्गिट्यूड लेक्स इसके के साथ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस एक सेक्शन काटते हैं फिर जो हम लोगों को शेप दिखता है ना उस शेप का एरिया कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक है सो नाउ हियर यू कैन सी द सिमिलैरिटी यू कैन सी द सिमिलैरिटी क्या देखो देखो ध्यान से देखो ये ध्यान से समझना ठीक है वीडियो अगर कर स्लो करना है तो स्लो कर लो इस दौरान आप डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं है? तो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स आया है इस यहां पर कितना कितना पी साइन थीटा तो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो रजिस्टिंग फोर्स आ रहा है नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाई कैरिंग दिस नॉर्मल फोर्स क्या दिया नॉर्मल स्ट्रेस दिया तो ये भी क्या है इसको देखो ये भी क्या है दिस इज ये देखो ये वाला क्या है ये एक प्लेन है ये क्या है प्लेन है आपके पास बेसिकली जो भी प्लेन ना नाम क्या है इस प्लेन का क्रॉस सेक्शनल प्लेन तो ये जो प्लेन है प्लेन के साथ 90 डिग्री पे ये आपके पास रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है तो ये क्या है बेसिकली एक नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स ही है बेसिकली बोल सकता हूँ क्या इस प्लेन के साथ नॉर्मल डायरेक्शन है ना प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में सो नॉर्मल डायरेक्शन में है तो नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स ही है ये भी ये फोर्स कैसा है नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स है आई बात समझ में क्या और ये इसका एरिया है जिस एरिया में ये मौजूद है बट बट अगर इसका इस वाले रजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन देखोगे तो दिस डायरेक्शन इज अलोंग व्हाट दिस रजिस्टिंग फोर्स दिस फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन द्रॉस कहानी समझना कहानी ये के जो क्रॉस सेक्शन है जिस पे ये फोर्स लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन किसके परपेंडिकुलर वो लॉन्ग लैक्सिस एल ए लिख रहा हूं लॉन्ग इट लैक्सिस के परपेंडिकुलर कौन ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर कौन एफ तो so एफ जो हो गया किसके हो गया एफ हो जाएगा पैरल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एफ आर जो है टू एक्सिस हो जाएगा ठीक है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एरिया एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स तो ये दोनों का डायरेक्शन इस रेजिस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट सो so, अगर मैं बोलू अगर मैं लिखू अब नॉर्मल स्ट्रेस अब लिखू नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शन ऑन क्रॉस सेक्शनल प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शनल प्लेन यानी कि ए पे लिखूं तो क्या होगा दिस विल बी इक्वल टू एफ आर नॉर्मल रेजिस्टिंग फोर्स एफ आर एफ आर किसके बराबर है बेटा पी के बराबर है और एरिया कैरिंग द नॉर्मल फोर्स कितना है ए कितना है ए सो पी बाई ए सो पी बाई ए बेसिकली जो हम लोग यहाँ पर देखे जो हम लोग माथा पच्ची के तो पी बाई ए क्या है पी बाई दी नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शनल प्लेन और इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्यों भाई क्योंकि यहाँ पर ये यह जो नॉर्मल रजिस्टिंग फोर्स है दिस इज अलॉन्ग अलोंग लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑन द क्रॉस सेक्शनल प्लेन सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस लॉन्ग स्ट्रेस बेसिकली एक टाइप का क्या है नॉर्मल स्ट्रेस ही है बट निकाला कहा गया है निकाला गया है क्रॉस सेक्शन प्लेन पे आई बात समझ में जो हमारा हमारा जो लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेस मैं जिसको अभी बोल रहा हूँ ये लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेस क्या है दिस इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बट इट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड ऑन क्रॉस सेक्शनल प्लेन तो एक होता है ना कॉमन नाउन तो नॉर्मल स्ट्रेस इज अ कॉमन नाउन ठीक है किसी भी प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन वाले स्ट्रेस को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं ये प्लेन कहीं पर भी हो सकता है लेकिन जब आप प्लेन स्पेसिफाई कर दो प्लेन स्पेसिफाई कर दो मतलब बोलोगे मैं सिर्फ बात करूं अगर क्रॉस सेक्शन की सो so, जब मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन प्लेन की बात कर रहा तो उस समय क्रॉस सेक्शन प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ठीक है आई समझ में तो नॉर्मल स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शन प्लेन पी बाय टू पी बाई एंड दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की दिस इज द डेफिनेशन ऑफ longitudinal stress. So longitudinal stress क्या है? That is the normal stress on cross sectional plane. Normal stress on cross sectional plane. तो इसको मैं sigma लिखता हूँ simply. Sigma लिखता हूँ. आई बात समझ में क्या? इसको simply मैं sigma लिखता हूँ. Clear है? Now यहाँ देखते हैं जो वापस आते हैं हमारे टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन में तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो दैट दिस लोड टेंसाइल लोड जो है टेंसाइल लोड जो है पी हमारे पास दैट इज एक्टिंग अलोंग व्हाट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग ये लग रहा है तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है बेसिकली वो क्या होगा एक तरीके का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देगा लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देगा है ना टेंसाइल तो स्ट्रेस क्या है एक तरीके का लॉन्गेटनल स्ट्रेस है और आप इसको एक और जो मैं नाम बताया याद रखना नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शन प्लेन क्रॉस सेक्शनल प्लेन ठीक है ये हुआ सो so, जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो क्या करेगा टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो उसकी लेंथ को क्या करेगा इंक्रीज करेगा ठीक है तो आप लोग जब इस पे टेंसाइल फोर्सेस लगाओगे स्ट्रेस विल इंड्यूस इसके अंदर क्या पैदा होगा इसको जब आप टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे इस तरह से तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी इनिशियली इसकी जो ओरिजिनल जो इसकी लेंथ थी डेटा सेल डैट इज एल आई इनिशियल लेंथ ठीक है और इसकी फाइनली जो लेंथ थी वो हो गई इस तरह से बढ़ करके कितनी हो गई एल एफ हो गई है ना तो आप साफ साफ देख रहे हो कि लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है सो दिस इज दिस इज कॉजिंग इलोंगेशन ऑफ द बार तो इलोंगेशन जब भी होगा तो हम लोग को जो स्ट्रेस मिलेगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेस सो टेंसाइल स्ट्रेस इज ड्यू टू टेंसाइल फोर्सेस टेंसाइल फोर्सेस क्या जो इलॉन्गेशन करते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस एक तरीके का लॉन्गट्यूडल स्ट्रेस है ठीक है एक तरीके का लॉन्गट्यूनल स्ट्रेस है और लॉन्ग स्ट्रेस क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शनल प्लेन आई बात समझ में सो टेंसाइल स्ट्रेस मैं यहां पर लिखूंगा अगर अगर मैं यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस लिखूंगा कई जगह इसको आप ऐसे भी देखोगे सिग्मा टी करके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है बट ऐसा कुछ नीड नहीं, नहीं है सो टेंसाइल स्ट्रेस क्योंकि क्या है एक तरीके का लॉन्गट्यूडल स्ट्रेस है तो सीधा सिग्मा लिखेंगे हम लोग सिग्मा से प्रेजेंट करना है बोला मैं है ना लॉन्गटूडल स्ट्रेस को तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधा सीधा पी पी है ना पी क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस है ना तो ये जो क्रॉस सेक्शनल प्लेन है इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन पे नॉर्मल जो फोर्स आ रहा है दैट इज पी है ना क्रॉस जो प्लेन है उस पर नॉर्मल फोर्स निकालना है हम लोग को ना नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रॉस सेक्शनल प्लेन तो यह नॉर्मल फोर्स क्या है पी है और एरिया कैरिंग क्या है ए है तो पी बाई ए पी बाई ए होगा सीधा तो टेंसाइल स्ट्रेस पी बाई ए होगा और ये क्योंकि लेंथ को इंक्रीज कर रहा है बढ़ोतरी कर रहा है तो इसको हम पॉज इसमें जो स्ट्रेन मिलेगा वो पॉजिटिव आने वाला है वो हम लोग देखेंगे तो, तो क्योंकि ये इंक्रीज करता है लेंथ को बढ़ाता है इसलिए हम लोग इन जनरल इसको हम लोग पॉजिटिव मान करके चलते हैं तो इसका साइन कन्वेंशन की बात करूँ तो टेंसाइल स्ट्रेस इसको कभी भी पॉजिटिव लिया जाता है आई बात समझ में तो ये हुआ स्ट्रेसेस के बारे में ना साथ साथ लोड लग रहा है और आप देख सकते हो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारा जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज चेंज इन डायमेंशन तो चेंज इन डायमेंशन दैट इज योर डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन अपॉन दी ओरिजिनल डायमेंशन इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन हम लोग उसको हमेशा स्ट्रेन बोलेंगे मैं बता चुका हूं है ना तो स्ट्रेस तो आ गया टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेस आ गया और कैसा है एक तरीके का लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेस है ठीक है तो और अब ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो मैं यहां पर जो स्ट्रेन है इसके करस्पॉन्डिंग वो निकाल सकता हूं टेंसाइल स्ट्रेन इज ऑल्सो अ लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन आएगा दैट इज दी दैट इज दी दॉन्गटनल स्ट्रेन तो यहां पर मैं बोल रहा हूं इसको टेंसाइल स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन जैसे मैं बोला तो ये क्या होगा इसको मैं इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एप्सिलॉन से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एपसी से क्यों क्योंकि ये एक तरीके का क्या है देखो ये इसको ये जो है एक तरीके का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है है ना ये कैसा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है लेंथ में होने वाले चेंज के कारण आया है लॉन्ग लॉन्ग यानी कि लंबा बोलते हैं ना तो लंबाई में हुए चेंज के कारण ये आया है

ऐसा भी कर सकते हो तो ये हो जाएगा आपके पास चेंज इन लेंथ दैट इज डेल एल डेल एल क्या है चेंज इन लेंथ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ दिस इज योर दिस इज योर टेंसाइल स्ट्रेन ठीक है दिस इज टेंसाइल स्ट्रेन सो जो टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है दे आर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन बेसिकली ठीक है और ये क्या करते हैं बेसिकली हमारे जो लेंस होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं ठीक है, अब इसके opposite, हम लो strain, ठीक है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन में तो अगेन देखोगे आप लोग जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं अगेन जब आप देखोगे कि मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो उस दौरान आप डायग्राम देखना डायग्राम देखो सभी है ना डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में जो फोर्स है वो कॉन्ट्रैक्शन देने की कोशिश करेंगे यानी कि ये जो फोर्स है, हमने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़े हुए अच्छे से है ना तो ये जो फोर्स लग रहा है आपके सामने ये जो फोर्स लग रहा है ठीक है ये जो फोर्स लग रहा है इधर से ये क्या करेगा साफ साफ दिख रहा है कॉन्ट्रेक्शन देगा क्या देगा कॉन्ट्रेक्शन देगा अगेन नेक्स्ट चीज क्या बोलता कॉन्ट्रेक्शन

स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो सो so, यहां पर ये जो सेक्शन है आप देख सकते हो यह लॉन्गिट्यूड जो मैंने ड्रॉ किया उसके साथ 90 डिग्री बना रहे, मतलब ये एक्सेस क्या है भाई, एक्सेक्स है अगेन आपका क्रॉस सेक्शन अगेन क्या है क्रॉस सेक्शन तो क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं भाई क्रॉस सेक्शन में हम लोग लॉन्ग स्ट्रेस की सॉरी क्रॉस सेक्शन में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यानी कि क्या लॉन्गिट्यूनल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेस तो लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस दो तरह के देख लिए हम लोगों ने एक टेंसाइल और दूसरा कंप्रेसिव क्यों ऐसा इसलिए और एक बेसिक बात करें अगर हम लोग इतना ज़्यादा साइंटिफिक बात ना करें और थोड़ा बेसिक बात करें तो लेंथ को या तो बढ़ा सकते हो या तो घटा सकते हो तो या तो टेंसाइल फोर्स स्ट्रेसेस आएंगे यानी कि टेंसाइल फोर्सेस लगा सकते हो या तो कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा सकते हो लेंथ के टर्म्स में बात करें तो लेंथ को बढ़ाने या घटाने केस में तो या जो स्ट्रेस आएगा या तो लेंथ बढ़ने के कारण आएगा और या तो लेंथ घटा दिए जाने के कारण आएगा तो टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा अलॉन्ग दी लॉन्गट्यूनल एक्सेस सो so, आप, आपके जो लॉन्ग स्ट्रेसेस है उसके दो टाइप हो गए एक हो गया टेंसाइल और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस ठीक so, so, है सो दिस मेंबर इज अंडर कंप्रेशन सो एट एनी सेक्शन जो एवरेज स्ट्रेस है इंजीनियरिंग स्ट्रेस है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कंप्रेसिव स्ट्रेस यहां सिग्मा इज इक्वल टू लिखा पी बाई ए पी कैसा है बेटा यहां पर कॉम्प्रेसिव है और ये क्या कॉस करेगा ये शॉर्टनिंग कॉज करेगा लेंथ को चेंज करेगा यानी कि घटाएगा घटाएगा तो क्योंकि घटा रहा है यानी कि कम कर रहा है तो हम इसको कमी है इसलिए इसमें हम लोग निगेटिव साइन इसके लिए प्रीफर करते हैं तो इसको इसमें जब हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव मान करके चलेंगे ये आपका साइन कन्वेंशन होगा आगे के डिस्कशन के लिए नौ बात करते हैं स्ट्रेन की अगेन तो ये ये भी क्या बदलाव है ये लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस है

इज इक्वल टू क्या होगा अप अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन तो अगर आप ये बार बनाते हो ये जो बार है ठीक है जो आप देख सकते हो जो बार है ठीक है इसमें आपने फोर्स लगाया तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ एल आई इसको आप एलो एल भी लिख सकते हो है ना एल आई जो थी और अभी घट के क्या हो जाएगी इसकी जो लेंथ है इसकी जो लेंथ है वो घट करके क्या हो गई एल एफ हो जाएगी ठीक है तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा फाइनल फाइनल माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल क्यों ओरिजिनल की बात कर रहे हैं यानी कि हम लोग हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेन की ही बात करेंगे ठीक है तो ये आ जाएगा अगेन डेल एल बाई एल ठीक है डेल एल बाई एल नाउ यहाँ देखने वाली बात ये है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो जो फाइनल है वो छोटा है इनिशियल से जबकि अगर आप टेंसाइल की बात करोगे तो उसमें फाइनल लेंथ बड़ी होगी और इनिशियल लेंथ क्या होगी छोटी होगी सो so, यहां पर आपका ये जब डेल एल आप निकालोगे जब आप डेल एल निकालोगे तो ये जो डेल एल आएगा आपका दैट विल बी नेगेटिव बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आएगा तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं ठीक है इसको तो मानना मानना पड़ा लेकिन इसमें साफ साफ आंसर ही निगेटिव आ रहा है तो कि, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आता है एज पर देशन ऑफ स्ट्रेन वो निगेटिव आता है तो इसलिए हम लोग जनरल इन जनरल कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या मेजर है, करते हैं क्या एज्यूम करते हैं पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एज्यूम करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को ठीक है सो लेंथ फाइनल लेंथ जो होगा कंप्रेशन में इनिशियल लेंथ का होगा करना एक चीज आपके मन में खटक सकता है किसी को कि सर आप जो स्ट्रेन शो कर रहे हो जो डिफॉर्मेशन आप शो कर रहे हो वो ए वो ऐसा क्यों शक कर रहे हो जैसे कि मैंने इस तरह से फोर्स लगाया तो भाई ये तो इस तरह से बढ़ेगा ना ऐसा बढ़ेगा और ऐसा भी बढ़ेगा इस तरफ से भी बढ़ेगा तो जो भी है दोनों तरफ बढ़ेगा ना इसे खींचोगे तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा तो बट हम लोग ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए ना जो टोटल जो आपकी फाइनली जो लेंथ आएगी ठीक है तो जो डिफॉर्मेशन है इसका देखो ये इसका ओरिजिनल लेंथ है इनिशियल लेंथ है एल ऐसा बोल दो फाइनल लेंथ इसका एल एफ हो गया इस तरह से तो आपने फोर्स लगा इस तरह से टेंसाइल तो दोनों तरफ बढ़ोतरी हुई ना तो ये जो चेंज आया है इसको मैं सम करके मैथमेटिकली एक तरफ लिखता हूँ तो हम जब हम लोग जब डायग्रामेटिकली हम लोग समझने के लिए जब डिस्कशन करने के लिए जब हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो जो फाइनल जो लेंथ है ठीक है तो यहाँ से मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट सिर्फ एक तरफ करता हूँ तो जो टोटल जो डिफॉर्मेशन है उसको एक तरफ रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि जोड़ने घटाने और विजुअलाइज करने में थोड़ा आसान हो ऑल दो बॉडी में जब इस तरह से फोर्सेज लगाओगे तो दोनों तरफ वो स्ट्रेच होगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा तो ये जो वैल्यू है फाइनल लेंथ हो गई एल एफ और इनिशियल लेंथ हो गई एल आई तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ यहाँ जैसे कि आगे इंक्रीज हुआ है टेंसाइल स्ट्रेस है ना टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो ना तो इंक्रीज इन लेंथ है तो ये कितना हुआ बोलोगे एल एफ माइनस एल आई हुआ है बोलोगे एल एफ माइनस एल आई हुआ बोलोगे तो ये जो वैल्यू है यानी कि जो अगर इनिशियल एल आई थी तो वो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई डेल एल की बढ़ोतरी हुई तो जो बढ़ोतरी हुई है वो ये रही डेल एल तो एक साथ एक तरफ मैं उसको रिप्रेजेंट कर पाता हूं आसानी से दैट्स वाई ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है ठीक है ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है नाउ ठीक है तो ये हम लोगों ने देखा कि दो जो लॉन्ग हमने देखा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है ठीक है तो नॉर्मल स्ट्रेस हमने समझ लिया नॉर्मल स्ट्रेस समझ लिया इसी का एक टाइप होता है बोला मैं इसका एक टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और इसके फिर दो टाइप होते हैं एक हो गया आपके पास टेंसाइल ठीक है और दूसरा हो गया आपके पास कॉम्प्रेसिव अब इस डायग्राम को देखना ठीक है इस डायग्राम को देखना इस डायग्राम में देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट लोड लग रहा है इस तरह से इस एक पॉइंट लोड लग रहा है तो ये पॉइंट लोड यहाँ पर लग, तो यह लग रहा है तो देखो ये जो मेंबर है यहाँ पर एंड पे इस तरह से कुछ उठ सा गया है है ना कुछ उठ सा गया है तो ये जो पॉइंट लोड लग रहा है ठीक है इस ये पॉइंट लोड जहां पर एक्ट कर रहा है ठीक है ये पॉइंट लोड जहां पर एक्ट कर रहा है वहां पर अगर आप देखोगे तो क्योंकि जिस जगह पे एक्ट कर रहा है दैट इज अ पॉइंट ऐसा हम लोग थियोरेटिकली मान रहे हैं एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एक है, एक है, एक है तो उसका एरिया क्या होगा एरिया अगर मैं मानूँ थियोरेटिकली अगर मैं बोलूँ तो एरिया तो इक्वल टू जीरो है अगर मैं थियरटिकली बात करूं तो पॉइंट का एरिया कितना होगा ज़ीरो होगा तो अगर मैं यहां पर एग्जैक्टली exactly सोचूं कि स्ट्रेस कितना होगा इस इस इमीडिएट लोकेशन पे स्ट्रेस कितना होगा तो ये आ गया फोर्स और इस इमीडिएट लोकेशन पे रजिस्टिंग फोर्स एफ आर इक्वल टू पी इस इमीडिएट लोकेशन पे इसी एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे जो भी पार्टिकल होंगे वहां पर रजिस्टिंग फोर्स की बात करें तो एफ आर इक्वल टू पी होना चाहिए फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगेन तो यहां पर एग्जैक्टली exactly इसी पॉइंट पे इस पॉइंट का मैं नाम दे दे रहा हूं ये जो पॉइंट है ए ठीक है तो यहां पर मैं देखता हूं कि स्ट्रेस अगर निकालना चाहूं तो जाएगा एफ आर वाई इज पी बाई ए आ जाएगा और ए जो है ये क्योंकि जीरो है तो सिग्मा क्या आ गया आपके पास इनफाइनाइट आ गया सिग्मा क्या आ गया इनफाइनाइट आएगा तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज वॉन मिसेस दिस इज वॉन मिसेस सॉरी दिस इज सेंट वेनाट प्रिंसिपल दिस इज सेंट वेनाट प्रिंसिपल ओके तो सेंट्स सेंट वेनान्स प्रिंसिपल जो है वो ये बोलता है सेंट वसपल जस्ट ब्रीफ है आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं सेंट वेनान्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब आप लोग किसी भी मेंबर में पॉइंट लोड लगाते हो पॉइंट लोड अगर लग रहा हो उसको इस तरह से एक्सेल ही पुल कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो थ्रू अ पॉइंट लोड सो नियर द प्लेन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड नियर द प्लेन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड जो स्ट्रेस होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है इसका मतलब क्या इसका मतलब देखो नॉन यूनिफॉर्म मतलब जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कुछ आपको सर्टेन वैल्यूज मिलेगी कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और जहां पर लोड लग रहा है वहां पर तो सिग्मा क्या मिल गया इनफाइनाइट मिल गया अब इस जिस प्लेन पे ये लग रहा है जैसे इस वाले प्लेन पे लग रहा है ना इस वाले प्लेन से थोड़ा दूर चले जाओ इस वाले प्लेन पे चले जाओ नीचे वाले प्लेन पे ये वाले प्लेन पे चले जाओ ये वाले प्लेन पे चले जाओ तो आप देख क्या देख पाओगे आप ये देख पाओगे अगेन ठीक है जो स्ट्रेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है स्ट्रेस जो नॉन यूनिफॉर्म है तो जो नियर दी पॉइंट ऑफ प्लेन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट लोड जो जो प्लेन्स हैं वहाँ पर सेंट वेनान ने ये देखा कि जो स्ट्रेस है वो वेरी कर रहा है तो स्ट्रेस जो होगा जैसे कि जहाँ पर एग्जैक्टली exactly बात करूँ जहां पर वो है जहाँ पर पॉइंट लोड है वहाँ पर देखोगे कि जो स्ट्रेस है वो इस तरह से इन्फाइनाइट है एकदम यहाँ पर तो स्ट्रेस कहाँ है पता ही नहीं इन्फाइनाइट है एकदम ठीक है एकदम इन्फाइनाइट पता ही नहीं किधर है मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू इन्फाइनाइट हो गई और यहाँ पर जो स्ट्रेसेस है वो उससे कुछ कम है ठीक है तो आपको आपको दो चीजें देखने को मिली मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इसी जगह पे जो एक लोएस्ट वैल्यू है कि जिसको मिनिमम बोलूंगा तो स्ट्रेस का वेरिएशन देखने को मिल रहा है फ्रॉम जीरो टू फॉर सॉरी फ्रॉम मिनिमम टू इनफाइनाइट इस प्लेन पे इस प्लेन पे स्ट्रेस का वेरिएशन देखने को मिल रहा है फ्रॉम मिनिमम वैल्यू लाइक दिस अगर मैं ये प्लेन का नाम दिया वन तो ये जो वन वन जो प्लेन है इस प्लेन पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको सिग्मा मिनिमम से सीधा इनफाइनाइट तक जा रहा है ये सीधा मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा रहा है वेरिएशन देखने को मिल रहा है स्ट्रेसेस का आई बात समझ में इस तरह से वेरिएशन देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे आप लोग इस प्लेन से दूर आते जाओगे ये जो वेरिएशन है ये सिग्मा मिनिमम टू तो सिग्मा मैक्सिमम जाएगा एक मैक्सिमम की फाइनाइट वैल्यू आती जाएगी क्योंकि अब ये जो पॉइंट लोड है ये जो पॉइंट लोड है ये एग्जैक्टली exactly जिस प्लेन पे लग रहा है वहां पर जिस प्लेन पे एग्जैक्टली exactly ये लग रहा है वहां पर एग्जैक्टली exactly आप लोग उस प्लेन के जस्ट एडजस्ट देखोगे तो एफ क्या मिल जाएगा इक्वल टू पी इस पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर आप निकालना चाहो तो एफ आर ए क्या हो गया एफ आर बाई क्या मिल गया आपको इनफाइनाइट मिल गया अब इससे थोड़ा दूर जाओगे जब जब दूर जाओगे तो ये जो ये जो पॉइंट लोड का जो इफेक्ट है ये प्लेन्स में क्या होते जाएगा बढ़ता चल जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा ओके okay? तो अब स्ट्रेस जो है वो उसकी फाइनाइट वैल्यूज आपको मिलेंगी बट स्टिल यहां पर जो स्ट्रेस आएगा पास पास वाले प्लेन्स पे जो स्ट्रेस आएगा वो वेरी कर रहा होगा फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम लाइक दिस योग सिग्मा मिनिमम योग्या सिग्मा मिनिमम मिनिमम कहां पर मिलेगा जो आउटर एज है जो दूर वाले सरफेसेस है जो दूर वाला जो एज है बाहरी सरफेस जो है और जो सेंटर के पास जो रीजन होगा म, जो सेंटर के पास जो रीजन होगा मटेरियल में उसमें ज्यादा स्ट्रेस आ रहा होगा तो स्ट्रेस इस तरह से आपका वेरी कर रहा होगा दिस इज सिग्मा मैक्स तो क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ओवर द क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है ओवर द क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है ठीक है तो जब वेरिएशन होगा इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस बोलेंगे ठीक है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस बोलेंगे और जैसे से दूर जाते जाते हैं ये जो स्ट्रेस है वो मिनिमम की घटने लग जाएगा इस तरह से और एक फाइनल आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह स्ट्रेस एक समान है तो जैसे जैसे इससे दूर आते जाओगे स्ट्रेस जो है वो मोर यूनिफॉर्म होने लग जाता है अभी क्रॉस सेक्शन में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्ट्रेस है कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम कहीं कुछ इंटरमीडिएट वैल्यू बट जैसे आप दूर जाते आओगे इन प्लेन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड से वैसे वैसे आप देख पाओगे कि जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता चला जा रहा है सो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा सो दिस इज अ रीजन एक ऐसा कुछ रीजन मिलेगा जिसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा तो वहां पर जो डिफॉर्मेशन भी होगा करस्पॉन्डिंग वो भी यूनिफॉर्म हो रहा होगा ठीक है और ये जो टैन ये जो ये जो फिनमिना है ये जो चीज हुई कि एक जगह स्ट्रेस बहुत ज्यादा है एक जगह स्ट्रेस बहुत ज्यादा है एक जगह तो इनफाइनाइट है दिस इज नोन एज स्ट्रेस कंसंट्रेशन दिस इज द आइडिया ऑफ स्ट्रेस कंसनट्रेशन मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग हुसलॉब पढ़ेंगे अभी तो ये स्ट्रेस एक जगह बहुत ज्यादा है ठीक है किसी एक जगह पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है दिस इज नोन एज स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेस इज है तो हमेशा है याद रखना कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड होगा खासकर तब जब लोड कैसा हो पॉइंट लोड हो तो जिस प्लेन पे लोड लग रहा है उस प्लेन के पास वाले जोन में ये वाला जोन हो गया और तो ये वाला जोन हो गया इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा इस तरह का होगा और जो दूर वाला जोन होगा उसमें इस तरह से यूनिफॉर्म स्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा सो दिस वॉज अबाउट टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस सेंड प्रिंसिपल एंड एंड स्ट्रेस कंसेंट्रेशन ठीक है अब आगे देखते हैं तो अभी आप लोग स्क्रीन ले लो इसका मस्त टाइप से नाव अब देखते हैं हम लोग शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी कि शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन के बारे में समझते हैं तो बेसिक सा एक आइडिया लेते हैं यहाँ स्ट्रेन क्या है जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक सॉलिड बॉडी है यहां पर एक ऊपर एक बॉडी है लेटर से दिस इज वन ओके और नीचे वाले आपके पास दो सपोर्ट्स है इसको लेटर से दिस दिस इज इज एंड तो ये जो सॉलिड बॉडी है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नॉर्मली कोई फोर्स लग रहा है ऐसी कोई सिचुएशन है खासकर जैसे ऐसी सिचुएशन को देखने को मिलती है ब्रिजेस में बीम्स में ये सिचुएशन बहुत देखने को मिलती है ठीक है अब देखो तो जैसे कि ये एक स्लैब या एक प्लेट या एक बार जो भी मानो इस ये इसको इस तरह से मैंने सपोर्ट किया ना आप देख सकते हो कि ये जो बीच का पोर्शन है ये जो बीच का पोर्शन है ये रिमेनिंग जो पार्ट है बॉडी नंबर वन का उसके रिलेटिवली मूव कर रहा है ये तो अपनी जगह पे है ये कहीं नहीं जा रहे लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है अलोंग अ सर्टेन प्लेन अलोंग अ सर्टेन प्लेन तो ने अलॉन्ग ने कि इतना जो पोर्शन है वो डिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है इतना पोर्शन जो है है होने की कोशिश कर रहा है. तो ये वाले जो प्लेन है इस प्लेन के अबाउट ये वाला जो हिस्सा है वो अब वो मेन बॉडी से अलग होने की कोशिश कर रहा है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग क्या बोलते हैं शियरिंग अलग होना या कट जाना कटिंग भी बोलते हैं तो इतना हिस्सा कट के बाद में अलग हो जाएगा सो इस तो आपने कुछ फोर्स लगाया आपको अभी फिलहाल के लिए तो दिख रहा है कि एक, मतलब एक सारी तो फोर्स है। ठीक है बट अब ये देखेंगे और डिटेल में तो इस, इस लोड के कारण इस फोर्स के कारण ये जो बीच वाला हिस्सा है वो समहा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज बॉडी नंबर वन से अलग होने की कोशिश कर रहा है कट के अलग होने की अपना हिस्सा अपना शे, अपना हिस्सा वो अलग करने की कोशिश कर रहा है इस ऑपरेशन को बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग और इस दौरान जो फोर्सेस सेटअप होते हैं दे आर नोने शेयर फोर्सेज एंड जो स्ट्रेसेज सेटअप होता है उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेसेस तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हो एक बॉडी के एक बॉडी के दो प्लेन्स के बीच जब रिलेटिव मोशन होने की कोशिश होती है जब रिलेटिव मोशन रिलेटिवली मूव करने की जब कोशिश करता है एक एक बॉडी का दो एक बॉडी के दो प्लेन या फिर एक बॉडी का का जो दो सेगमेंट्स हैं वो अगर एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करने की कोशिश करते हैं तो जो फोर्सेस सेटअप होते हैं दे आर दी दियर फोर्सेस दे आर दी शेयर फोर्सेस इन मोर फंडामेंटल वे यू कैन कॉल इट टेंजेंशियल फोर्स जो हम लोगों ने देख रखा है टेंजेंशियल फोर्स ओके सो टेंजेंशियल फोर्स जो हमने देखा था दैट इज ऑल्सो नोन एज शीयर फोर्स शेयर फोर्स ओके शेयर फोर्स तो ये देखोगे अब क्या होगा देखो अब तो इस पोर्शन का अलग से यहां पर एक फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना लिया इतने पोर्शन का जो ए बी सी डी जो है इस पोर्शन का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे अगर हम लोग ठीक है अलग से हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे है ना तो ये ऐसा कुछ दिखेगा ये वाला है ना ऐसा कुछ आया सो फ्रॉम दिस प्लेन ये प्लेन भी क्या, अब यहाँ क्या कर रहे हो आप फोर्स लगा करके इतने हिस्से को रिलेटिवली मूव कराने की यानी कि कर स्लाइड करा करके नीचे रख देने की काट करके अलग कर देने की कोशिश कर रहे हो तो यहां पर ये जो प्लेन होगा ये जो प्लेन एक तरफ का देख रहे हो दूसरी तरफ भी वैसे ही सेम होगा तो ये प्लेन के जो पार्टिकल्स हैं जो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो इसके अपगेंस इस तरह से फोर्स लगाएंगे एंड दिस फोर्स विल बी पैरल टू दिस प्लेन यानी कि टेंजेंशियली लगेगा तो so, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये रजिस्टिंग फोर्स दिस इज दियर फोर्स दिस इज शियर फोर्स और यू कैन से रजिस्टिंग रजिस्टिंग टेंजेंशियल

ए बी एंड सी डी इस प्लेन के अबाउट शेयरिंग ये कॉज कर रहा है इस बॉडी में एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसमें क्या होगा बॉडी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी और जो है शेयर जो है वो सेटअप होगा तो यहाँ पर इस प्लेन पे एक शेयर फोर्स आया दूसरे वाले प्लेन पे यानी कि ए बी प्लेन पर एक शेयर फोर्स आया अगर आप यहां पर इक्वेशन लिखेंगे तो फॉर स्ट्रेटिकोर्सेज समेसन ऑफ फोर्सेज शुड भी जीरो यहाँ पर वर्टिकल लग रहे तो समेन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज शुड भी जीरो बोलूंगा मैं तो जाएगा टू वी वी प्लस 2v माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो तो एक जो वी की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगा एफ वाई टू इस तरह से तो शेयर फोर्स की वैल्यू भी मुझे मिल गई तो शेयर फोर्स क्या है शेयर फोर्स जो है दैट इज टेंजेंशियल फोर्स ठीक है अब थोड़ा उसको सिंपल वे में अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको टेक्निकली हम लोगों को डील करना है ओके okay? टेक्निकली कैसे इसको डील करना है देखते हैं ओके नाउ सो अब जैसे कि मैंने बोला कि यह आपने फोर्स लगाया आपने फोर्स लगाया इस तरह से तो यहां पर क्या आया यहां पर रजिस्टिंग फोर्स आया टेंजेंशियल है ना रजिस्टिंग शेयर फोर्स आया सो so, इस रजिस्टिंग शेयर फोर्स को ये जो रजिस्टिंग शेयर फोर्स है V रजिस्टिंग शेयर फोर्स है डिवाइड बाई फोर्स को कौन सा एरिया कैरी कर रहा है ये वाला मैंने बोला था ना एरिया हम लोग देखेंगे कि भैया फोर्स के करस्पॉन्डिंग एरिया कौन सा है तो एरिया हम लोग बाद में समझ पाते हैं ठीक है थीके? तो स्टार्टिंग से एरिया कुछ याद मत रख लेना बस याद रखना कि अलग अलग सिचुएशन में एरिया अलग अलग तरह से देखना होता है तो बेसिकली नॉर्मल और शेयर के अकॉर्डिंग हम लोग को एरिया देखना होता है तो ये वाले ये प्लेन में शेयर हो रहा है तो इस प्लेन का एरिया है दिस इज एरिया ऑफ शेयर प्लेन दिस इज एरिया ऑफ शेयर प्लेन प्लेन और एरिया ऑफ प्लेन अंडर शेयर जिस प्लेन का जो जिस प्लेन से जिस प्लेन पे शेयरिंग हो रही है जिस प्लेन से बॉडी कट रही है दो हिस्सों में उस प्लेन का एरिया देखना है आपको ठीक है अब ये प्लेन ये प्लेन जब कोई फोर्स नहीं था तो यही प्लेन का एरिया जो होता था दैट इज ओरिजिनल एरिया दैट इज ओरिजिनल एरिया उसके बेसिस पे मैं इसको फाइंड आउट करूंगा एवरेज स्ट्रेस को ठीक है तो आप हम लोग इंजीनियर स्ट्रेस की बात करूंगा, करूंगा. So, यहां पर रजिस्टिंग शेयर फोर्स रजिस्टिंग शेयर फोर्स क्यों ऐसा इसलिए लिख रहा हूं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो लंबा, चाहो तो लंबा भी कर सकते हो लंबा ऐसे कि जो रजिस्टिंग फोर्स है एफ आर एफ आर विल बी इक्वल टू वॉट

टाउ और इसको हम लोग क्योंकि एवरेज स्ट्रेस है तो इसको टाउ एवरेज भी बोलते हैं ना एवरेज स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस ठीक है तो यह आपका एवरेज स्ट्रेस है ठीक है तो एवरेज स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है एरिया अंडर शीयर अब जैसे आपके पास ये जो ब्लॉक है थ्री डी में आप देख सकते हो थ्री डी में आप देख सकते हो इस तरह से आपके पास जो ब्लॉक है जैसे कि ठीक है इसको मैं इस तरह से फिक्स कर दिया डेटा इसको फिक्स कर दिया नीचे से अब इसमें इस तरह से मैं फोर्स लगाया एफ

अब वो वर्ट वर्टिकल जो प्लेन था अब वो वर्टिकल से किसी एंगल पे आ गया वर्टिकल से किसी एंगल पे आ गया ठीक है दैट एंगल इज फाइव ओके दैट एंगल इज फाइव तो फाइव एंगल यहां पर यह बना दिया ठीक है इसका जो ओरिजिनली जो इसका हाइट था इस वर्टिकल साइड का अस से दैट इज एल और जितना ये यहाँ से सरप के यानी कि जो स्लिप इसने दिया है यहाँ से यहाँ तक के अस से दैट इज़ एल डेल एल ठीक है डेल एल के आपके पास यहाँ पर स्लिप है जितना वो स्लिप हुआ यानी कि जो यानी कि ये जो पॉइंट जैसे मान लीजिए ये आपके पास ए बी सी ए बी सी डी है ना पहले जो लिए थे वो कैसा था वो ऐसा था है ना <coughs> ये आपके पास तो जाएगा ए बी सी डी ये ए बी सी डी ऐसा तो ए जो था अब वो कहाँ चले गया है वो ए डैश पे चला गया है और बी जो था वो कहा चले गया बी डैश पे चले गया नीचे वाला पोर्शन फिक्स है सी और ये डी अभी भी वही है 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 ना अब अब क्या? अब क्या आपने देखा तो स्लिप कितना ए से ए डैश तक जो ये जो प्लेन ये जो पॉइंट था उस वो स्लाइड करके ए से ए डैश पे चला गया है so सो ये जो एंगल है दैट इज फाइव ठीक है अब मैं जानना चाहूँ कि कितना ये टिल्ट हुआ ये जो वर्टिकल प्लेन था कितना टिल्ट हुआ ओके सो ये हो जाएगा आपके पास टेन फाइव टेन फाइव इज इक्वल टू डेलेल अपॉन एल डेलेल क्या आपके पास स्लिप है एक तरीके से जितना स्लिप हुआ ठीक है जितना स्लिप हुआ और ये था आपका ये आपका क्या था दिस इज दी दिस इज दी हाइट ओके दिस इज दी हाइट ओके सो ये जो टेन फाइव है टेन फाइव दैट इज स्लिप अपॉन दी ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द वर्टिकल साइड दिस इज नोन एज शीयर स्ट्रेन ये क्या आपके पास शीयर स्ट्रेन है दिस इज शीयर स्ट्रेन शीयर स्ट्रेन है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग गामा से तो गामा इज इक्वल टू होता है आपके पास टेन फाइव दैट इज डेल एल अपॉन एल दैट इज डेल एल अपॉन एल तो यहां एल क्या है आपके पास एल जो है वो स्लाइड है इसका जितना ये स्लाइड करके गया और और जो एल है वो ये वाले वर्टिकल साइड का डायमेंशन है क्लियर बात तो ये आप लोग पास शेयर स्ट्रेन हुआ शेयर स्ट्रेन तो शेयर स्ट्रेन बेसिकली क्यों हो रहा है कि जो वर्टिकल साइड्स हैं जो उसके प्लेन्स हैं वो टिल्ट हो जा रहे हैं आगे जा करके ये आपका दिस इज दिस इज सिंपल शेयर स्ट्रेन सिंपली हम लोग इसको देख रहे हैं ठीक है जब इसको हम लोग प्रॉपर एग्जामिन करेंगे तो और भी चीज़ें हम लोग आने चैप्टर्स में समझ पाएंगे तो जो ओवरऑल आपने एफ लगाया आपने एफ लगाया तो ये सारी रियली साइड तो फिक्स है ये कहीं मूव नहीं कर सकती अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको अभी फिक्स रखा है ठीक है फिलहाल के लिए अभी मैंने इसको फिक्स रखा है ठीक है यहां पर आपको कुछ कुछ और चीज़ें मैंने डायग्राम में दे रखी हैं उसको मैं बताता हूँ क्या है ठीक है सो so, ये जो एंड आपका फिक्स रखा है तो ये वाला इस ये वाला जो प्लेन है ये कहीं भी जा नहीं सकता फिक्स है क्योंकि सो so, जो ये फोर्स होगा ये फोर्स सिर्फ एक ही फैक्ट दे सकता है कि इस डायरेक्शन में प्लेन्स को सरकाना चालू कर दे तो जो प्लेन्स ये वाला प्लेन तो फिक्स है तो सी जो है सी जो है वो तो कहीं जा नहीं सकता सी जो है वो कहीं जा नहीं सकता ये जो सी और डी है ये कहीं नहीं जा सकते तो जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो टॉप प्लेन पे और इस प्लेन से दूर जितने भी प्लेन्स हैं उसमें आपको देखने को सो दे विल विल दे ट्राई टू मूव दे विल ट्राई टू स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर ठीक है इसके कारण इस प्लेन्स के स्लिप के कारण जो ये वर्टिकल साइड है दैट विल टिल्ड बाई एन एंगल ऑफ फाइव ठीक है सो so, ये जो टिल्ट है इस का जो मेजर है दैट इज योर शियर स्ट्रेन के कितना टिल्ट हुआ कोई प्लेन ठीक है सो दिस इज शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेंड सो दैट इज फाइव नाउ इफ फाइव इज वेरी स्मॉल जनरली फाइव वेरी स्मॉल ही होगा वेरी स्मॉल होगा तो टेन फाइव इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो टेन फाइव इज इक्वल टू फाइव लिख सकते हो तो अगर फाइव बहुत स्मॉल हो गया तो उस केस में आप लोग गामा इज इक्वल टू फाइव आपका हो जाएगा क्योंकि गामा इज इक्वल टू टेन फाइव ठीक है तो अगर फाइव स्मॉल है तो टेन फाइव को फाइव लिखा जा सकता है तो यहां से गामा इज इक्वल टू फाइव आपका हो जाएगा तो दिस इज अबाउट शेयर स्ट्रेस ड शेयर स्ट्रेन ठीक है इसको हम लोग जब चैप्टर टू पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा और क्योंकि थोड़ा ये अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसको चैप्टर टू यानी कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें और भी अच्छे से हम लोग डील करते हैं ठीक है सो स्ट्रेस दैट इज फोर्स फोर्स अपॉन द एरिया अंडर शेयर तो जब आप एक पोर्शन को किसी भी ब्लॉक के एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन के रिस्पेक्ट में मूव कराने की यानी कि कट करने की कोशिश करते हो इसको इसके रिस्पेक्ट में इस तरह से मूव कराने की कोशिश करते हो तो ये जो प्लेन है इस प्लेन में रजिस्टिंग फोर्सेज सेटअप होते हैं Sorry, or एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस प्लेन के पैरल डायरेक्शन में रजिस्टिंग फोर्सेज सेटअप होते हैं एंड रजिस्टिंग फोर्सेज पर यूनिट एरिया अंडर शियर

<coughs> अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है आ, ये दोनों जो फोर्सेस है दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लेटेस से एल है ना एक एल डिस्टेंस से सेपरेटेड है इस तरह से ये लोग ठीक है इस एलिमेंट में अब ये क्या क्रिएट कर रहे हैं देखो ये दोनों मिल करके अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दूँ मैं इसका ठीक है फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया ये हो गया एफ ये हो गया आपके पास अप्लाइड वाला एफ ठीक है इस तरह से है ना तो आप देखोगे कि ये दोनों मिल करके ऐसा इस एलिमेंट को क्लॉक को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर ये दो बस है यहाँ पर तो भाई एलिमेंट तो घूम जाएगा ना एलिमेंट तो घूम जाएगा तो बॉडी क्या करती है इस इसको बॉडी का काम है क्योंकि बॉडी ओवरऑल जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो हर एक छोटा से छोटा हिस्सा भी स्टैटिक कंडीशन में रहना चाहिए सो टू मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये बॉडी क्या करती है ये जो मोमेंट है जो कि इसको घुमास देगा टेक्निकली पर बॉडी घूमनी तो चाहिए नहीं है ना घूम रही है तो क्यों नहीं घूम रही है तो इसका लॉजिक हमने हम इंजीनियर्स ने ये लगाया कि भाई ये बॉडी में ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया और ये जो सपोर्ट से जो रिएक्शन आया तो ये तो कर क्रिएट कर रहा है क्या क्लॉकवाइज तो बॉडी में जो रजिस्टेंस है ड्यू टू दैट इसके अपोजिट इस क्लॉक मूवमेंट के अपोजिट बॉडी एक एंटी क्लॉक एक एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इस तरह से क्रिएट कर दी अगर मान लीजिए ये क्लॉक वाइज क्रिएट कर रहा होता तो हम हम लोग अगर हम लोग का ये एंटी क्लॉक वाइज क्रिएट कर रहा होता एक्सटर्नल फोर्स जो है तो बॉडी क्या करती उसके अपोजिट यानी कि क्लॉक जो है मोमेंट क्रिएट करती तो क्या होता है जो शेयर फोर्सेस यहाँ पर आपने लगाए हैं जो शेयर फोर्सेस जो शेयर फोर्सेस आए हैं आपके इधर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज सेंस में उस एलिमेंट को आ, क्या करते हैं रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं ना अगर रोटेट हो गया तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं रह जाएगा सो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बॉडी के अंदर क्या होंगे इसके अपोजिट सेंस के शेयर शेयर फोर्सेज जो है सेटअप होंगे जो कि अपोजिट सेंस का मोमेंट देंगे यानी कि अगर अप्लाइड शेयर फोर्सेज जो है अगर वो क्लॉकवाइज सेंस का मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो जो अब एक कॉम्प्लीमेंट्री जो शेयर फोर्स आएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का अपोजिट सेंस का जो मोमेंट है वो क्रिएट करेंगे ठीक है सो दिस शेयर फोर्सेज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री शेयर फोर्सेज ठीक है तो अगर ये एफ इन है तो ये भी एफ इन होगा एलिमेंट में इस तरह से तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है इसमें बहुत सारा कंसेप्ट होता है ठीक है दैट इज दी दैट इज दी सिमिट्री ठीक है जो फोर समेट्री मोमेंट सीमेट्री हम लोग देखते हैं ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन जो सीमेट्रीज पढ़ते हैं वो मैं फुल कोर्स में डिटेल में डिस्कस करता हूँ बट यहाँ पर उसका टाइम हमारे पास नहीं है तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा सो दैट इज पार्ट ऑफ फुल कोर्स तो अभी इतना जान लो कि तो भी काफ़ी है ठीक है तो ये आपके ये जो फोर्सेस होंगे बराबर होंगे और सिमिलरली अगर मैं करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस के टर्म्स में बात करूँ तो ये जो स्ट्रेसेस आएंगे ये जो शेयर इसके कारण जो शेयर स्ट्रेस आएंगे टाउ और जो कॉम्प्लीमेंट्री के कारण आएगा ये टाउ

वो बाद में देखेंगे पहले इसके एजम्स को देखेंगे एजम्पन्स ये बोलता है कि जो मटेरियल का मटेरियल जो है आपका है ना पहला एजम्पन दैट इज मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन जो है ठीक है वो और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है वो हर जगह एक समान है कहीं कम और कहीं पर ज़्यादा मटेरियल है वैसा नहीं है केमिकल कंपोजिशन भी थ्रू आउट क्या है सेम है दूसरा आइसोट्रॉपिक है यानी कि मटेरियल का जो बिहेवियर है अंडर लोड वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है लोड कैसे भी डायरेक्शन लगाओ जो मटेरियल का बिहेवियर होगा वो एक समान होगा दैट इज आइसोट्रॉपिक तो मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक है तो जो मटेरियल का बिहेवियर है अंडर एक्शन ऑफ लोड्स वो हर पॉइंट पे और हर डायरेक्शन में एक जैसा दैट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस एंड एसोटॉपिक तो जब मटेरियल होमोजीनियस होगा तो एक तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होना चाहिए और जो मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह एक समान होना चाहिए यानी कि हर एक यूनिट वॉल्यूम में अगर आप जैसे कि एक ब्लॉक लेते हो एक, एक, एक आप क्यूब लेते हो तो उसमें इसको बहुत सारे बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्यूम्स में आप लोग उसको डिस क्या कर सकते हो इसको डिवाइड कर सकते हो इमेजनरी तो हर एक वॉल्यूम में आपको समान मास मिलना चाहिए तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म ठीक है तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म है तो उसको होमोजियस बोलेंगे ठीक है और जो अगर ऐसो आई, बोल रहे हैं तो डायरेक्शन अलग अलग, अलग डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो मटेरियल का बिहेवियर हर डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में फोर्सेस लगाओ जो बिहेवियर होगा इलास्टिक बिहेवियर जिसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक बिहेवियर वो क्या होगा सेम होगा ना यहाँ मैंने एक टर्म बोला इलास्टिक बिहेवियर तो इलास्टिक बिहेवियर का मतलब होता है रजिस्ट करने की टेंडेंसी जो भी इलास्टिक मटीरियल होते हैं दे प्रोवाइड रजिस्टेंस ठीक है जो जो भी हम लोग रेजिस्टेंट बॉडीज बोल रहे हैं जो सॉलिड्स हैं दे आर इलास्टिक बॉडीज इलास्टिक बॉडीज का मतलब ये नहीं कि इलास्टिक जो हम लोग के आ, मतलब पैंट वगैरह पे लोअर वगैरह में सब में होते हैं ठीक है कपड़ों में जो हम लोग इलास्टिक यूज करते वाले इलास्टिक नहीं भाई इलास्टिक का मीन्स इलास्टिक मटेरियल का मीन होता है कि जो रजिस्ट रजिस्ट करते हैं विच प्रोवाइड रजिस्टिंग फोर्सेज ठीक है ऐसी बॉडीज जो जो रजिस्ट कर सकते हैं उसको इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं ठीक है सो इलास्टिक बिहेवियर यानी कि रजिस्ट करने का जो बिहेवियर होगा इलास्टिक बियर मीन्स रजिस्ट करने का बिहेवियर वो सभी डायरेक्शन में एक समान होगा ठीक है ओके okay? सो so, ये मैं मान लिया ये एजम्पन है इसका ऐसा हो जरूरी नहीं है कुछ मटेरियल्स ऐसा फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करेंगे कुछ नहीं करते हैं कि हम स्टार्टिंग में ही जैसे मेरे पास अगर मान लो एक टन का वेट मेरे पास है तो मैं एक टन सीधा उस पर लगा दूं ऐसा नहीं है मैं स्टेप बाय स्टेप वेट को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जीरो से बढ़ाते बढ़ाते एक टन तक लेकर के जाऊंगा सो दिस इज ग्रेजुअल लोड ठीक है तो लोड जो है ग्रेजुअल अप्लाई किया जाएगा और हम लोग सब्जेक्ट में भी हमारे मेजोरिटी जो हम लोग लोड्स देखेंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ में वो सब ग्रेजुअल लोड ही होंगे ठीक है उस पर हम लोग आगे वाले लेक्चर से बात करेंगे देयर इज नो स्ट्रेस कंसेंट्रेशन स्ट्रेस कंसेंट्रेशन की बात की थी कि कहीं पर स्ट्रेस अगर ज़्यादा आ जाए किसी कारण से जैसे कि एक तो मैंने पॉइंट लोड वाला कारण बताया जैसे कि पॉइंट लोड लगाते हैं तो जो नियर दी एप्ली नियर दी प्लेन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट लोड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है एक जगह पर और एक जगह कम होता है तो स्ट्रेस वेरी कर रहा होता है तो एक जगह मैक्सिमम स्ट्रेस एक जगह मिनिमम स्ट्रेस मिल रहा होता है यानी कि एक जगह स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको स्ट्रेस कंसनट्रेशन बोलते हैं तो स्ट्रेस कंसनट्रेशन और बहुत और भी कारणों से होता है तो जस्ट नीट यू नीट टू नो वॉट इज स्ट्रेस कंसनट्रेशन भाई किसी भी कारण से ठीक किसी भी कारण से किसी एक लोकेशन पे एज कंपेयर टू अदर लोकेशन इन द बार जैसे कि एक मैं बार ले लूं इस बार में सब जगह स्ट्रेस सिग्मा सिग्मा ऐसा सिग्मा आ रहा है हर जगह स्ट्रेस लेकिन किसी जगह कुछ तो भी ऐसा है ठीक है कुछ तो ऐसा है कि वहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो वहां आ गया सिग्मा मैक्स तो सब जगह स्ट्रेस ठीक ठाक था एक जैसा था और एक जगह स्ट्रेस कुछ अलग से ही ज्यादा आ गया एकदम से शूट कर गया तो यहां पर स्ट्रेस मैं बोलूंगा कि स्ट्रेस जो है यहां कंसेंट्रेटेड है दे आर वेरियस रीजन्स विच आई हैव कवर्ड इन दी फुल कोर्स ओके बट ठीक है उसमें जाने की नीड आपको नहीं पड़ेगी एज वन ट्वेंटी डेज में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है सो so उसमें ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है और स्ट्रेस uh, कंसनट्रेशन बस इतना जान लो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन uh, uh, पे ठीक है एक लोकेशन पे स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है बहुत ज़्यादा ठीक है दिस में भी ड्यू टू एनी डिजाइन डिफेक्ट या लोडिंग के कारण हो सकती है यानी कि जो डायमेंशनस है उसके कारण या लोडिंग के नेचर के कारण ऐसा हो सकता है तो स्ट्रेस अचानक से किसी जगह पे आपको ज़्यादा मिल रहा हो किसी भी जगह पे ज़्यादा मिल रहा हो तो हम बोलते हैं कि इस मेंबर में ठीक है इस मेंबर जैसे कि यहां पर स्ट्रेस ज़्यादा मिल रहा है तो मैं बोलूंगा दिस मेंबर इज़ हैविंग अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऐसा मैं बोलूंगा क्योंकि यहां पर स्ट्रेस ज़्यादा है एक जगह पे ठीक है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हम लोग देख चुके हैं अभी सेंट वेनान्स प्रिंसिपल जो हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने देखा है सेंट वनान प्रिंसिपल में ठीक है और फोर्थ जो है हम लोग ये मानेंगे कि जो टेम्पचर है इस कांस्टेंट ड्यूरिंग लोडिंग जो टेम्परेचर है मैंने उसको कांस्टेंट रखा हुआ है ड्यूरिंग लोडिंग तो हुक्स लॉ कहता है अगर ये चार आपके फॉलो हो रहे हैं तो जो स्ट्रेस होगा जो भी स्ट्रेस होगा हमने इतने टाइप के स्ट्रेस देख लिए नॉर्मल लॉन्गिट्यूड नल फिर लॉन्ग टाइप देख लिया टेंसाइल कॉम्प्रेसिव पिशियर स्ट्रेस देख लिया ठीक है और भी स्ट्रेस होता है एक स्ट्रेस में बताऊंगा आपको तो जो भी स्ट्रेस होगा दैट स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन तो जो स्ट्रेस है और उसके करस्पॉ उस लोडिंग कंडीशन जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आ रहा है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है सो डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रेसेस हैं उसको उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन से आप लोग रिलेट कर सकते हो यूजिंग दिस लॉ क्लियर सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आई बात समझ में और ये जो मटेरियल और ये किसके लिए है हुक्स लॉ जो है वो किसके लिए है वो इलास्टिक मटेरियल्स के लिए है इलास्टिक मटेरियल्स के लिए है फ्लूइड वगैरह के लिए इसको अप्लाई नहीं कर सकते इलास्टिक मटेरियल यानी कि जिसमें रेजिस्टेंस होता है जो resist करते हैं विच मटेरियल जो कि resist करता है डीफॉर्मेशन को ओके मटेरियल व्हिच resist डीफॉर्मेशन मटेरियल इट आल्सो व्हिच resist डीफॉर्मेशन हैन व्हिच resist डीफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना चाहिए उसको हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं ठीक है तो ये इनके लिए दिया गया फ्लूड वगैरह यानी कि इलास्टिक मटेरियल मटीरियल बोले तो मेजोरिटी हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे हैं ना जो हम सॉलिड्स हैं उसकी बात कर तो सॉलिड्स के लिए ये जनरली वैलिड है फ्लूड्स वगैरह में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा वहां पर हम लोग देखेंगे डिफरेंट लॉज होते हैं फ्लूड्स में ठीक है सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ दिस इज योर हुक्स लॉ तो इसको आप लोग नोट कर लो ओके इसको आप लोग नोट कर लो वन टू ठीक टू सेकेंड्स हो गया स्क्रीनशॉट ले लो ओके okay, आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं सो so, अब देखते हैं जैसे कि हम लोगों ने हम लोगों ने अभी बात करी बहुत सारी ठीक है तो मैंने बोला आपको जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा ठीक है आप कई लोग बोलते हैं सर इसमें विद इन दी इलास्टिक लिमिट या विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ हुक्स लॉ हुक्स ने जब बात करी थी तो सिंपल बोला था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बाद में टेस्टिंग एसेट्रा के थ्रू पता चला दैट इज देर इज अ लिमिट टू दिस लॉ ठीक है दर इज अ लिमिट टू दिस लॉ आपको उसमें पता चला ठीक है अब देखेंगे तो जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्मल स्ट्रेस हम जानते जो जो स्ट्रेस जानते हैं उसको भी देख लेते हैं तो जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस बोला मैं तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी

सिग्मा लिखोगे तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ओके लॉन्गिट्यूडनलिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन ऐसा लिखा ठीक है थर्ड देखते हैं जैसे कि लिखा मैं शीयर स्ट्रेस शीयर स्ट्रेस ठीक है शीयर स्ट्रेस लिखा तो शीयर स्ट्रेस जैसे कि टाव है ना तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शीयर स्ट्रेन Strain, तो जो भी होगा है ना जो भी स्ट्रेस होगा अपने corresponding strain के directly proportional होगा। ठीक है, तो है Now, ठीक है, है, तो ये तीन देख हम लोगों ने। देखो, ना नोटिस करने वाली बात है एक और स्ट्रेस होता है चौथा ठीक है बल्क स्ट्रेस को सिग्मा भी लिखूंगा मैं ठीक है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलूंगा मैं बल्क स्ट्रेन बल्क स्ट्रेस इज डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू वन बल्क स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन वी इसको एक और नाम देते हैं इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है बल्क स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क स्ट्रेन दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है बल्क स्ट्रेस वर्क स्ट्रेस और ये है क्या चीज को समझो तो जैसे आपके पास कोई भी बॉडी है जो कि तीनों डायरेक्शन से लोडेड है तीनों डायरेक्शन में लोडेड है इस तरह से ठीक है द लोड में कॉम्प्रेसिव बट दे हैज टू बी भी हैज टू बी थ्री डायमेंशनल लोडिंग कंडीशन ठीक है थ्री डायमेंशनल लोडिंग कंडीशन जैसे कि आपके पास हो गया जैसे कि ये हो गया आपके पास सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जो लोड आ रहे हैं उसके कारण एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा एक्स वाई डायरेक्शन में जो लोड आ रहे हैं बेटा उसके कारण जो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है दैट इज सिग्मा वाई z डायरेक्शन में जो लोड आ रहा है उसके कारण z डायरेक्शन का स्ट्रेस हो गया सिग्मा z ठीक है तो तो क्या होगा तो उस कंडीशन में जो बल्क स्ट्रेस है सिग्मा बल्क 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 स्ट्रेस और average, और एवरेज एवरेज इसको बोलते हैं है ना अगर एवरेज बल्क एवरेज लोगे आप बल्क एवरेज तो ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z बाई थ्री है ना ये हो जाएगा सो दिस इज द बल्क स्ट्रेस ओके बल्क स्ट्रेस हो गया ये एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एफ्सलॉन वी क्या होगा चेंज इन डायमेंशन डायमेंशन कौन सा वॉल्यूम मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी था तो चेंज इन डायमेंशन दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये जाएगा ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन है क्योंकि ओरिजिनल चीज़ की चीजों पर बात मैंने थोड़ी देर पहले ओरिजिनल की जब बात की थी इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात की तो, तो ये वर्ड मैंने बोला था वॉल्यूम के लिए भी स्ट्रेन देखते हैं हम लोग तो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया है ना तो वॉल्यूम के बेसिस निकाल रहा है तो ये ओरिजिनल जो भी चीज ओरिजिनल के बेसिस हैं ओरिजिनल के बेसिस इंजीनियरिंग स्ट्रेन से इंजीनियरिंग स्ट्रेन है ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब जब कोई भी लोड नहीं था तो उस समय जो वॉल्यूम था ठीक है ये हो गया नाउ अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि फ्लूड वाला प्रॉब्लम है कोई हाइड्रोस्टेटिक प्रॉब्लम है हाइड्रोस्टैटिक वाला प्रॉब्लम है मान लीजिए तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है हाइड्रोस्टैटिक के कंडीशन में भाई क्या आएगा प्रेशर आएगा और प्रेशर किसी पॉइंट में किसी एलिमेंट पे सभी डायरेक्शन पे सेम होना चाहिए दैट इज पास्कल्स लॉ दैट इज पास्कल लॉ तो प्रेशर आपके पास हो गया ना प्रेशर क्या होता है कॉम्प्रेसिव इन नेचर होता है तो माइनस पी लिख दिया मैंने इस तरह से माइनस पी है ना माइनस पी लिख दिया तो जो बल्क स्ट्रेस मिलेगा इस कंडीशन में सिग्मा बी सिग्मा बी जो मिलेगा दैट विल बी माइनस पी <coughs> है ना माइनस पी माइनस पी माइनस पी थ्री टाइम्स ऑफ माइनस पी डिड बाई थ्री माइनस पी मिल गया ना तो ये बल्क स्ट्रेस इस केस में ऐसा आ जाएगा माइनस पी ठीक है तो सभी तरफ से सभी तरफ से आपके पास तीनों डायरेक्शन से जो है स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो जब आप फ्लूड की बात करोगे तो वहां प्रेशर रहेगा उस एलिमेंट में तो ये जो प्रेशर है विच इज एक्सटर्नल बेसिकली तो इस पर प्रेशर एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगा प्रेशर क्या होता है नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का डेफिनेशन लिख लेना नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया अब कमेंट में मुझे दिखना नहीं चाहिए सर प्रेशर स्केलर है या वैक्टर या ये वो ऐसा लंद फंद क्वेश्चन नहीं करना है ठीक है ये बिल्कुल करने की नीड नहीं है अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब पर मेरे भी पढ़े हैं और बहुत सारे पढ़े हैं अगर आपको इतना बेसिक डाउट अभी भी है तो फिर अभी थोड़ा सा भैया ब्रेक ले लो आप आराम से है ना ये सब डाउट अभी नहीं होना चाहिए सब डाउट करने का हक नहीं है आपको अभी आपको एक दिन में गेट निकालना और आप स्कूल लेवल का क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे चले है ना चलो तो ये आपका प्रेशर जो है कंप्रेसिव इन नेचर होता है नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स पॉइंट एरिया तो ये नॉर्मल इसके कारण जो फोर्स आएगा दैट इज दैट विल बी अ नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स तो एक नॉर्मल स्ट्रेस ये सेटअप करेगा है ना तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और जो सिग्मा जेड है सभी क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा तो जो बल्क स्ट्रेस आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी ठीक है दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी तो अगेन फिर जो भी बल्क स्ट्रेस है ठीक है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है एप्सिलॉन वी तो बल्क स्ट्रेस मैंने बताया बल्क स्ट्रेस क्या होता है आपके पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस होता है थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस आपका होता है जो कि वॉल्यूम को क्या कर सकता है चेंज कर सकता है किसी भी मटेरियल का ना ये जो बल्क स्ट्रेस है ये आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है टेंसाइल भी हो सकता है तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस आ रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट है तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस आ रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट है टेंसाइल हो सकता है कंप्रेसिव हो सकता है अगर हाइड्रोस्टैटिक वाली बात करिए कैसा है आपका दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है ये थ्री डाय हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन यानी कि तीनों डायरेक्शन से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इक्वल कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहे होंगे हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन तो जो भी है बट बल्क स्ट्रेस थ्री डी स्ट्रेसेस होते हैं ये याद रखना इसके कारण वॉल्यूम में चेंज होता है ठीक है एवरेज बल्क स्ट्रेस में बताया सिग्मा सिगमा एक्सप्ल सिग्मा बाई प्लस सिगमा जेड बाई थ्री और ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा अकॉर्डिंग टू दुकस लॉ नाव यहाँ पर जो प्रपोर्शनैलिटीज हैं इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप लोग नाव जो इसकी प्रपोर्शनलिटीज हैं जब आप इसको हटाओगे जब आप इस जब आप प्रपोर्शनैलिटीज को हटाओगे तो क्या आएंगे कॉन्स्टेंट्स आएंगे जो कि जो कि अलग अलग तरह के लोडिंग के केस में अलग अलग तरह का जो आप लोगों का मटेरियल का रिस्पांस रहता है जैसे कि शेयर जैसे कि जब टेंसाइल फोर्स लगाओ तो लेंथ बस बढ़ेगी कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो लेंथ घटेगी बस शेयर फोर्स लगाओगे तो टिल्टिंग होगी ठीक है तो ये प्रपोशनैलिटी को हटाओगे तो कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पर आएंगे आई बात समझ में जो कॉन्स्टेंट्स है वो यहाँ पर आएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे इलास्टिक कांस्टेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं उसकी मैं बात करता हूँ ठीक है तो so जस्ट ये ले लिया आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ठीक है इसको हटाते हैं ओके सो नॉर्मल स्ट्रेस देखते हैं सो so, सबसे पहला जो देखा था मैंने नॉर्मल स्ट्रेस ठीक है सबसे पहले देखा था मैंने यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एंड है ना सिग्मा एन और क्या लिख सकते हो सिग्मा एन और, और जो ये है सिग्मा दोनों सेम चीज है ठीक है बता चुका हूं आपको दोनों इसका इसका एक टाइप ही है सो so, इसको मैं लिखा इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है सो so, ये जो ई e है ये जो ई e है ई इज नोन एज यंग्स मॉडुलस एज यंग्स मॉडुलस इसको बोल सकता हूँ यंग्स मॉडुलस ठीक है ओके यंग्स मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडलस ऑफ इलास्टिसिटी तो ये इसको लिख सकता हूं जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो यह जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू ई इन टू एफ है ना ऐसा लिख सकता हूँ ठीक है तो यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएंगे जो साथ ही साथ मैं आपको बताते चला जाता हूँ ठीक है इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन क्या क्या मिलेंगे देखो सिग्मा क्या होता है जो लॉन्ग स्ट्रेस है वो होता है एक्सीएल लोड पी अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया पी बाई ए सीधा यहाँ से निकाल सकते हो आप ठीक है ई तो क्या है आपका यंग्स मॉडलस है कॉन्स्टेंट है ठीक है दिस इज यंग्स मॉडल्स एंड दिस इज कॉन्स्टेंट तो ये देखो और ये हो जाएगा एप्सिलॉन दैट इज डेल एल बाई एल नाउ जैसे यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे यूनिट्स की बात करते हैं अब P बाई ए जैसे स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस जो होगा P बाई ए हो जाएगा न्यूटन और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर ठीक है तो इसको बोलते हैं पास्कल्स P A, पास्कल्स इस, इसको बोलते हैं हम लोग ठीक है पास्कल सो so, यहां से नोट कर सकते हो वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन पास्कल्स ऐसा लिख सकते हैं ठीक है और यहां पर लिखते जाता हूँ मैं आगे की चीजें अगर मैं बोला टेन रेस टू पावर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इसको बोलता हूँ वन मेगा पासकल वन मेगा पासकल ठीक है टेन रेस्ट टू पावर नाइन बोला मैं अगर न्यूटन पर एम मीटर स्क्वायर तो ये हो गया आपके पास वन गीगा ठीक है इस तरह से और अगर मैं बोला वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो ये एम mm क्या होता है भाई वन एम mm जो होता है दैट इज इक्वल टू टेन रेस टू पावर माइनस थ्री मीटर्स होता है तो एम mm स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन रेस टू पावर माइनस सिक्स हो जाएगा है ना माइनस सिक्स ऊपर जाएगा प्लस सिक्स तो ये क्या दे देगा टेन रेस टू पावर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन मेगा जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ठीक है तो वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन मेगा पासकर यह इस तरह से हो गया ना अगर इस पर ध्यान देंगे स्ट्रेन के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग तो स्ट्रेन जो है वो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है स्ट्रेन जो है क्योंकि वो सिमिलर क्वान क्वांटिटीज का रेशियो कोई सा भी स्ट्रेन उठा लो आप लोग कोई सा भी स्ट्रेन उठा लो दैट इज रेशियो ऑफ़ सिमिलर क्वांटिटीज लेंथ चेंज इन लेंथ बेसिकली लेंथ है और ये ओरिजिनल है दैट इज आल्सो लेंथ तो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है तो ये क्या होगा हमेशा डायमेंशन लेस होगा तो चाहे कोई सा भी स्ट्रेन हो आप लोग देख लो चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो चाहे शेयर स्ट्रेन हो दैट इज रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज तो जो स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है तो डायमेंशनस की बात करें अगर डायमेंशन की अगर बात करें तो सिग्मा का डायमेंशन क्या होगा सिग्मा यह है रजिस्टिंग फोर्स दैट इज फोर्स अपॉन एरिया फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू एम एम एल टी माइनस टू और एरिया का होता है आपके पास एल स्क् एम एल माइनस वन टी माइनस टू दिस इज द दशनल फॉर्मूला ठीक है और जो एप्सिलॉन है यानी कि जो स्ट्रेन है स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन दैट इज चेंज इन लेंथ चेंज इन वेट डायमीटर वगैरह वगैरह तो ये हो जाएगा एल अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन उसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल एल अपॉन एल क्या हो गया जीरो तो ये हो इसका डायमेंशन फॉर्मला क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरोज डायमेंशन लेस तो जानना आप लोग और हमेशा याद रखना कि जो स्ट्रेन है स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्लियर बात है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो यहां से आप देख सकते हो कि जो ऐसा SI यूनिट निकल के आ रही है यंग्स मॉडलर्स की ऐसा SI यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ ई दैट इज यंग्स ऑफ़ इलास्टिसिटी ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाई सिग्मा का क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका तो कुछ होता ही नहीं है तो जो ऐसा यूनिट आपकी सिग्मा की है वही ऐसा यूनिट आपकी यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की भी है क्लियर बात है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इसको जल्दी से स्क्रीन ले लो आप लोग ले लिया ठीक नाउ आगे बढ़ते हैं इसी में इसी पॉइंट में पॉइंट नंबर वन में ही आगे लिखना पॉइंट नंबर वन में ही आगे लिखना है है ना पॉइंट नंबर वन में ही आगे लिखना तो मैंने लिखा p बाई ए इज इक्वल टू ई इन टू डेल एल बाई अब डेल एल क्या है डेल एल है आपका डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन और क्या कहते हैं इसको भाई चेंज इन लेंथ और क्या कहते हैं इसको चेंज इन लेंथ बोलते हैं ना चेंज इन लेंथ तो यहां से आप लोग चाहो तो चेंज इन लेंथ निकाल सकते हो तो जाएगा P इन टू एल अपॉन ए ई दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ठीक है चेंज इन लेंथ यहाँ से आपका आ सकता है और इसको क्या लिख सकते हो डेल एल इक्वल टू पी वाई हो गया आपके पास सिग्मा. ओके इंटू एल अपॉन ई ये हो गया आपके पास दिस इज योर दिस इज योर आउटकम्स From the law. ये सारा आप, आप देखोगे इस इक्वेशन को सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एफ और ऐसा लिख सकते हो नॉर्मल स्ट्रेस लिख सकते हो सीमा इंटू इज इक्वल टूटू एफ एन ऐसा जब आप लिख रहे हो तो आप देख पाओगे आप देख पाओगे की ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इसमें सभी की पावर देख लो वन है ना किसी की पावर वन से ज्यादा नहीं है सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज मटेरियल, ये ऐसे मटेरियल का इक्वेशन है जो कि लीनियरली बिहेव करता है जिसका इलास्टिक बिहेवियर कैसा है लीनियर है ये जो ये अगर मैं बोलूं कि ऐसा कोई मटेरियल है जो कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका जो बिहेवियर होगा अंडर लोड वो कैसा होगा मैथमेटिकली कैसा बोलेंगे उसको लीनियर बिहेवियर होगा सो द हुक्स लॉ इज नोन एज लिनियर इलास्टिक मटेरियल तो नोट करना है आपको यहाँ से द मटेरियल द मटेरियल विच फॉलोज ओके विच फॉलोज हुक्स ओके इज इलास्टिक मटेरियल as, as ठीक है लीनियर इलास्टिक मटेरियल तो कोई भी स्ट्रेस की बात करें कोई भी शेयर की बात हो बल्क की बात हो लॉन्गिट्यूड या नॉर्मल की बात हो जब तक हुसलो वैलिड है किसी भी मटेरियल के लिए मटेरियल हूसलो को फॉलो कर रहा है तो उस मटेरियल को लीनियर इलास्टिक मटीरियल हम लोग कहते हैं ठीक है लीनियर इलास्टिक मटेरियल कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं ठीक है नोट कर लो इसको स्क्रीन शॉट ले लो ले लिया ठीक अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेस नेक्स्ट जो स्ट्रेस था आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रेस था दैट इज योर शीयर स्ट्रेस दैट इज शीयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन शीयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन शीयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ठीक है शीयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोला मैं तो शीयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है तो यहाँ से लिखा टाउ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो एक यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा दैट इज नोन एज जी इनटू गामा जी को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगेन ठीक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अब ये भी शेयर स्ट्रेस है बोलोगे सर शेयर स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा कोई भी कोई भी कोई भी मतलब कोई भी स्ट्रेस हो सभी एक ही चीज है ना सभी रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है तो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू आपके पास होगा अरे बात समझ आपके पास तो शेयर स्ट्रेस जो है उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो तो हमेशा आपका सेम होगा जो भी स्ट्रेस हो सभी का सेम होगा ना और जो कोई भी स्ट्रेन हो वॉल्यूमेट्रिक शेयर लॉन्गिट्यूडल नॉर्मल वट एवर दैट इज डायमेंशन लेस तो अगेन जी का जो ऐसा यूनिट होगा अगेन जी ऐसा यूनिट क्या होगा इसका भी जो जी का है वो अगेन आपके सेम एज टाउ सेम एज

बल्क मॉडुलस के को बोलते हैं बल्क मॉडुलस ठीक है बल्क मॉडुलस तो के आपके पास यहां से आ रहा है सिग्मा बी बाई एप्सलॉन वी ठीक है और सेम ऐसे यहाँ से जी जो आपके पास आ रहा है दैट इज टाउ बाई गामा ओके सो दीज आर थ्री इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स अंडर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लोड अगर आप लोग यूनि एक्सियल लोडिंग कर रहे हैं ठीक है लॉन्गिट्यूडल एक्सिस uh, के अबाउट अगर लोड्स लग रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अबाउट लोड लगा करके आप मडिल का यंग्स मॉडल्स पता कर सकते हो अगर आप शेयर स्ट्रेस लगा रहे हो तो उसको लगा करके मडिल का शीयर मॉडल्स हाँ इसको शेयर मॉडल्स भी बोलते हैं ओके ऑरिजटी और मॉडल्स ऑफ शीयर भी ऑफ शेयर भी बोलते हैं इसको मॉडल्स ऑफ शेयर और शेयर मॉडल्स ठीक है भी बोलते हैं इसको तो शेयर स्ट्रेसेस लगा करके मटे का शेयर मॉडल पता कर सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस यानी कि तीन डायरेक्शन को लोड करके उसको आप बल्क बल्क मॉडल जो है पता कर सकते again, per, square, हो यूनिट्स अगेन इन लोगों की न्यूटन पर जो स्टैंडर्ड है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा होगी आप कुछ भी या दूसरे कुछ भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो मेगा गीगा वगैरह वगैरह वट जो भी रिक्वायर्ड है आपको आप उस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो ठीक है सो दिस वॉज फ्रॉम दी हुक्स लॉ तो हुक्स लॉ से ये तीन चीज हम लोगों को पता चलती है और मैंने एक चीज और बताया कि हुक्स लॉ जहाँ तक वैलिड होता है उसको बोलते हैं हम लोग जिस मटेरियल वैलिड होता है उसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल ठीक है लीनियर बिहेवियर देगा क्योंकि जो भी आप इक्वेशन देख लो सभी इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है यानी कि ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग आगे का टॉपिक ठीक है इसके आगे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पॉइजन्स रेशियो ठीक है पॉइजन्स रेशियो तो पॉइजन रेशो के बारे में मैं आपको समझाता हूँ चलिए तो एक एनिमेशन देखते हैं हम लोग इसके थ्रू लोग समझते हैं पॉइजन रेशो क्या है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि इनिशियल जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये बता रहे हैं इनिशियल इस तरह का दिखता था ठीक है इसको प्ले को देखना जैसे ही आप इसको

प्रीवियस केस में जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा कराऊँ तो देखो जो डाय जो लेंथ है वो तो कम हो रही है जो लेंथ है लॉन्ग लॉन्डर एक्सिस में जो लेंथ है वो कम हो रही है लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है जिसको लेटर डायमेंशन बोल सकते हो वो बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है कि जो इलास्टिक मटेरियल्स हैं अगर जो नॉर्मली हम लोग सॉलिड्स देखेंगे उसकी अगर आप लोग लेंथ जो है अगर बढ़ाओगे अगर लेंथ बढ़ाओगे तो उसका जो लेंथ तो बढ़ जाएगा लेकिन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो घट जाएंगे है ना क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो है वो घट जाएंगे लेंथ तो बढ़ गई लेंथ तो यहां पर बढ़ गई लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो क्या हो जाएंगे आपके कम हो जाएंगे क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो है वो कम हो जाएंगे तो यहां से देखो तो ये इसकी थी. ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी और ये इसकी फाइनल लेंथ है एल एफ तो इसमें जो आपने देखा लेंथ इंक्रीज हुआ तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर गया पहले एरिया ए था अब ए से कुछ अलग होगा डिक्रीज़ हो जाएगा ए डिक्रीज़ हो जाएगा यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल जो भी डायमेंशनस है जैसे कि ये रेक्टेंगल है बेटा तो इसका जो भी विथ्थ होगा इसका जो भी हाइट होगा वो चेंज हो जाएगा इसका विथ और हाइट पहले कुछ रहा होगा इसका विथ और हाइट पहले जैसे कि बी रहा होगा अब वो बी डैश हो गया ठीक है सॉरी इसका जो हाइट है ना ये हाइट है सॉरी इसको है ना तो इसका हाइट एच था ठीक है तो वो एच डैश हो गया अब यहाँ पर एच डैश हो गया जो इसका विथ था बी अब वो बी डैश हो गया इस तरह से तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन चेंज हो गया और डिक्रीज हो गया तो जब आप लेंथ को बढ़ा रहे हो जब आप लेंथ को बढ़ा रहे हो तो जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन यानी कि एरिया वाली जो चीजें जैसे कि विथ हो गया हाइट हो गया है ना और अगर सिलेंड्रिकल है तो डाया हो गया ये सब क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ठीक है ये सब क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इन जनरल ठीक है और अगर मैं लेंथ को घटा रहा हूं यानी कि कंप्रेस किया तो क्या देखने को मिला मुझे वीडियो में कि भाई जो एरिया है एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशन है लेटरल जो डायमेंशन है विथ हो गई हाइट हो गई अगर मान लो सिलेंडर रहता तो डाया होता तो ये क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इससे यह समझ आ रहा है कि मटेरियल में सिर्फ अगर लोड लगाते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन मैंने कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बस नहीं मिलता उसके साथ साथ और जो बाकी डायमेंशन है उसमें भी चेंज आता है दिस इज नोन एज पॉइजन इफेक्ट इसको पॉइजन ने अपने नाम पे इफेक्ट बोल दिया तो पॉइजन इफेक्ट जो है ठीक है वो ये बोलता है कि अगर आप मटेरियल के एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन में लोड कर रहे हो तो उस लोड का इफेक्ट बाकी के जो रिमेनिंग टू डायरेक्शन है उसमें भी दिखाई देता है ठीक है और इलास्टिक मटेरियल यानी कि जो हमारे आसपास जो जनरल जो सॉलिड्स हैं जो भी हम लोग मटेरियल यूज करते हैं उसमें जनरली ये देखने को मिलता है जैसे आप किसी चीज़ को खींचते हो उसकी लंबाई बढ़ाते हो तो लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन उसकी जो मोटाई है वो कम हो जाती है सेम अगर उसको अगर दबाओगे तो लंबाई तो कम हो जाएगी लेकिन जो उसकी मोटाई है वो बढ़ जाएगी सो दिस इज नोन एज द पॉइजन इफेक्ट ओके एक बार वीडियो को अगेन आप लोग देखो पहले फिर आगे बढ़ते हैं ओके okay, इस वीडियो को अगेन एक बार देखो आप लोग स्टार्ट से ओके सो सो so, जब आप जब आपने इसको कंप्रेस किया तो उसका देखो लेंथ कम हुआ एरिया बढ़ा ए, ल, लेटर डायमेंशन से तो वो आपके बढ़ गए और जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो जस्ट इसके अपोजिट लेंथ बढ़ा जब आपका है ना जब आपका लेंथ बढ़ा तो उसके साथ साथ जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है वो डिक्रीज कर गए तो दोनों डायरेक्शन में जो है स्ट्रेन हमारे पास आ रहा है दोनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है हमारे पास वो आ रहा है दोनों डायरेक्शन में ठीक है दोनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है हमारे पास आ रहा है ओके दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन हमारे पास आ रहा है क्लियर दो सेकेंड ठीक है दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन हमारे पास आ रहा है सो पॉइजन रेशियो हम यहां पर अब डिफाइन करते हैं तो पॉइजन रेशियो जो होता है पॉइंस रेशियो ओके पॉइजन रेशियो दूसरा कुछ कलर लेते हैं ठीक है तो पॉइजन रेशियो रेशो जो होता है रेशियो जो है जिसको हम लोग म्यू या फिर वन बाई एम ऐसा लिख करके कर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो पॉइजन रेशियो है म्यू ये होता है आप लोगों के पास माइनस माइनस लेटरल स्ट्रेन एफलॉन्डी दिस इज योर लेटरल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन ठीक है लेटरल स्ट्रेन एंड अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेंस रेशियो ऑफ द लेटर स्ट्रेन एंड लॉन्गनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो और ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है ये निगेटिव साइन बता रहा है कि ये जो रेशियो, ये जो दोनों स्ट्रेन है दे आर अपोजिट इन नेचर तो निगेटिव साइन बताता है कि इन जनरल ये निगेटिव साइन बता रहा है इन जनरल जो आपके पास मटेरियल है उसका जो दोनों स्ट्रेन है लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है दे आर अपोजिट इन नेचर सो निगेटिव साइन क्या बता रहा है दैट लेटरल Science shows that that lateral and longitudinal, longitudinal, okay, stresses are opposite, okay, opposite in nature. They are opposite in. नेचर आई बात समझ में क्लियर है तो जितने भी इलास्टिक मटेरियल्स हम लोग इन जनरल देखते हैं उसके लिए ये हम लोगों को देखने को मिलता है ना इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं ये जो निगेटिव साइन हम लोगों को ये जो निगेटिव है अब इसको आप देखो पहले तो क्या है भाई स्ट्रेन है ये भी स्ट्रेन है जैसे कि मैं बात करूं स्ट्रेन है ठीक है स्ट्रेन है आपके पास तो जैसे कि म्यू लिखा है किसी मटेरियल का तो म्यू एज जो मटेरियल है वो होमोजेनस एंड है तो उसका बिहेवियर जो होगा वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होगा पहली बात थो. तो तो म्यू अगर मटेरियल का रेशियो है तो म्यू इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू बस अभी इतना याद रख लो कि म्यू क्या है एक अगर मैं होमोजेनस एंड एसोट्रॉपिक बोल रहा हूं तो ये कॉन्स्टेंट है मटेरियल के लिए एक कॉन्स्टेंट है म्यू हमेशा सेम आना चाहिए फिर कैसे भी निकालो आप लोग ठीक है आपके पास दो लेटर डायरेक्शन एक ये वाला है के वाला तो कैसे भी निकालो आपका म्यू तो कांस्टेंट है ना तो म्यू कांस्टेंट रहना चाहिए आपके पास तो ये हो जाएगा जैसे कि आप लिखिए माइनस माइनस ऑफ एप्सिलॉन डी बाय एप्सिलॉन एल दिख रहे हो तो जैसे कि रेक्टेंगल के केस में मैं आप लिख दिए विथ्थ की बात की है ना लेटर डायमेंशन जो विथ है ये वाला विथ इसकी बात की तो फाइनल विथ वी माइनस इनिशियल विथ बी ठीक है अपॉन इनिशियल विथ ये क्या हो गया दिस इज दी लेटरल स्ट्रेन चेंज लेटरल स्ट्रेन क्या होगा अगर आपको जानना है तो ये जाएगा चेंज इन लेटरल डायमेंशन जो भी लेटरल चेंज इन लेटरल डायमेंशन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ल डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन ठीक है स्ट्रेन है, है ही ना ये भी लॉजिक तो उसका सेम रहेगा स्ट्रेन को जैसा निकाला जाता है इसको भी वैसा ही निकाले जाएगा तो जो चेंज इन लेटरल डायमेंशन अपॉन दी ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन दिस विल बी योर लेटरल स्ट्रेन रही है बात समझ में ये आप लोगों का होने वाला है लेटरल स्ट्रेन तो जैसे स्ट्रेन निकलता है चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन तो भाई लेटरल डायमेंशन की बात हो रहा है तो सामने एक मैंने लेटरल डायमेंशन बोल दिया बस उसको तो लेटरल डायमेंशन बी और यहां पर जैसे कि रेक्टेंगल है तो एच <coughs> सिलेंडर हो गया तो उसका डायमीटर ऐसा तो चेंज ही जैसे मैं विथ्थ की बात किया मैं लेटर डायमेंशन दो, दो है ना जैसे रेक्टेंगल ले रहा हूँ तो दो आपके पास लेटर डायमेंशन है एक इसका विथ्थ एक इसकी हाइट ठीक है विथ्थ और हाइट इसका इस तरह से विथ्थ और हाइट इसका इस तरह से है तो चेंज आपका हो गया इनिशियली इसका बी था फाइनली बी एफ हो गया ठीक है तो आप देखोगे कि जो बी एफ है फाइनल जो विथ्थ है वो यहाँ के यहाँ केस में आप देखोगे जैसे कि कंप्रेशन हो रहा है ठीक है कंप्रेशन हो रहा है तो देखो बी एफ जो है वो बी से बड़ा होगा ठीक है कंप्रेशन के केस में देख रहे कंप्रेस कर रहे हो तो विट जो है वो बढ़ जा रही है लेकिन जो लेंथ होगा फाइनल लेंथ वो इनिशियल लेंथ से क्या होगा फाइनल लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ से क्या होगा कम होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है है ना तो अब देखो ठीक है अब देखो इस वैल्यू को यहां पर ले जाते हैं है ना इसको यहां लाते हैं अपन ठीक है तो ये जो हुआ आपके पास म्यू दैट इज माइनस हुआ ठीक है माइनस अपॉन एफ्सलॉन एफ्सलॉन क्या हो जाएगा आपका फाइनल ओरिजिनल ओरिजिनल दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल देखो ये जो है बी एफ बढ़ा है बी से तो ये तो पॉजिटिव आ गया क्या देखो ये पॉजिटिव आ गया यानी कि यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है ब्रिथ जो है कंप्रेशन के दौरान बढ़ गई तो दिख भी रहा है हमको यहाँ दिखा तो वहाँ मैथमेटिकली भी दिख रहा है लेकिन जो लेंथ है वो कम हुआ देखो फाइनल लेंथ जो है निचल लेंथ से ओरिजिनल लेंथ से कम है तो यहां से निगेटिव आएगा और ये निगेटिव निगेटिव आखिरी में क्या बन जाएगा फाइनली पॉजिटिव तो म्यू जो होगा हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव फॉर क्या फॉर क्या किसके लिए फॉर इलास्टिक मटेरियल जो हमारे आसपास जो दिख रहे हैं कुछ मटीरियल जो इलास्टिक मटीरियल जिसको हम बोल रहे हैं तो इलास्टिक मटेरियल्स या इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं जिसको हम लोग इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं जनरली तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि म्यू जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा ठीक है इसको आप लोग नोट करो यहाँ से यहां तक के यहाँ से लेके वहां तक नोट कर लो ठीक है स्क्रीन ले लो और उसका कॉपी भी नोट कर लेना हो गया ओके okay, तो म्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है दैट इज वाई हमको हमको इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है पॉजिटिव ही लाना है इलास्टिक मटेरियल के लिए तो फॉर इलास्टिक मटेरियल क्योंकि मेरे को पॉजिटिव ही लेना पॉजिटिव ही आएगा मुझे पता है मैंने चेक कर लिया इलास्टिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव आएगा सो फॉर इलास्टिक मटेरियल्स फॉर इलास्टिक मटेरियल्स ठीक है मैं सिर्फ क्या लिखूंगा मॉड ले लूंगा ऐसा मॉड ऑफ लेटरल मॉड लेने पर पॉजिटिव मिलता है ना तो लेटरल स्ट्रेंथ अपॉन लॉन्गिट्यूड स्ट्रेंथ ठीक लॉन्ग एंड शॉर्ट पर लिख रहा हूं ठीक है ये हो गया आपके पास दिस इज रेशियो ठीक है तो ये इलास्टिक नाउ यहां पर देखते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज यहां पर होती है तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर होती हैं चलिए इसको देखते हैं ठीक है ठीक so, है चलिए सो जो डिफरेंट रेंजेस है पॉइजन रेशियो की उसको देखते हैं ठीक है सो so, थ्योरिटिकल जो रेंज है poison ratio की आप देख सक रहे हैं जो थ्योरिटिकल रेंज है इसकी poison ratio की दैट इज लिखना जो जो म्यू म्यू आपके आपके पास है, जो आपके पास है है दैट इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट फाइव होता है बट ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास माइनस वन आपके पास ये होता है ठीक है ये इसकी थ्योरिटिकल रेंज है तो रेंज यहां से आपको याद रखनी है है ना दिस इज रेंज ऑफ म्यू म्यू का ये रेंज है आपके पास माइनस वन से लेकर के आपके पास पॉइंट फाइव तक के इसकी रेंज होती है ठीक है तो ये आपकी रेंज हो गई थियोरिटिकल रेंज नाउ इस रेंज में डिफरेंट जो मटेरियल्स है मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो है आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल जो मोस्टली जो मटेरियल्स हैं वो आपके पास जीरो से लेकर के पॉइंट फाइव के बीच में लाई करते हैं ठीक है जीरो से लेकर के पॉइंट फाइव के बीच में जो मोस्टली आपके मटेरियल्स हैं वो आपके पास आते हैं ठीक है और uh, ज, जैसे कि कॉर्क हो गया कॉर्क के लिए ज़ीरो कंक्रीट के लिए पॉइंट टू एल्यूमिनियम के लिए पॉइंट थ्री फाइव स्टील के लिए और कॉपर के लिए पॉइंट थ्री चीज के लिए पॉइंट फोर फाइव तो ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ हैं ठीक है ठीके? कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से होती हैं ठीक है ठीके? इसको आप लोग नोट कर लेना तो कॉर्क के लिए ज़ीरो होता है कॉर्क के लिए जो जो पॉइजन रेशियो है दैट इज़ जीरो दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइजन रेशियो कॉर्क के लिए जीरो होता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइजन रेशियो को और आगे है ना अभी सिर्फ वैल्यूज तक देख लेते हैं ठीक है और कंक्रीट के लिए पॉइंट टू होता है एल्यूमिनियम के लिए पॉइंट थ्री फाइव होता है स्टील के लिए स्टील के लिए आपका पॉइंट यानी कि पॉइंट टू सेवन से पॉइंट थ्री समथिंग तक के बीच का कुछ रेंज लेते हैं लेकिन ठीक है अपन ऑन स्टैंडर्ड याद रख सकते हैं कि पॉइंट थ्री ले सकते हैं ठीक है रेंज में होता है स्टील के क्योंकि बहुत सी वेरायटीज़ होती हैं तो एक रेंज में आता है बेसिकली लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर याद रखनी हो तो पॉइंट याद रख सकते हो कॉपर के लिए पॉइंट होता है याद रख सकते हो चीज़ कोई काम का नहीं है आपके लिए रबड़ के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है पॉइंट होता है सो दिस आर दी वेरियस रेंजेस ठीक ठीक है वेरियस वैल्यूज ऑफ